हमें पेशेंट की सेफ्टी, स्टाफ की सेफ्टी एंड पेशेंट्स एंड विजिटर्स की सेफ्टी इंश्योर करनी है. वी हैव टू एनहेंस द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एन आउटब्रेक. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म. आई विल एक्चुअली एम्फसाइज ऑन दिस थर्ड पॉइंट बिकॉज आज जब डीएम सर के साथ मीटिंग हुई, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मेम्बर्स ने अटेंड किया, तो वहाँ पर यही डिस्कशन हो रहा था कि वी कैनॉट डिनाई द पेशेंट फ्रॉम कमिंग, वी कैनॉट डिनाई देयर ट्रीटमेंट टू बी डन इन आवर हॉस्पिटल फैसिलिटीज. इन आर इफ वी हैव दैट स्पेशलिटी, इफ वी कैन ट्रीट देम, इफ वी हैव दैट कैपेबिलिटी, वी कैनॉट allow the patient to go back without giving their treatment. So it is actually hame apne organization ko, apne aap ko, we have to willfully prepare ourselves ki we have to treat these kind of patients, we have to treat them all irrespective of this disease or the contagiousness of this outbreak. So this is IPC is basically setting its goal for this outbreak preparedness also. So next is the to lower or reduce the risk of hospital, that we have already discussed, that hame hospital mein jo bhi staff kaam kar rahe hain, jo patients ko deal kar rahe hain, we have to risk reduce karna hai humne. And jo outbreak hai, this basically IPC is a containment, we can say, that is wo रिड्यूस कर रहा है, या फिर इन अ वे वी आर प्रोवाइडिंग अ वे, अ मेथड टू कंटेन दिस एपिडेमिक टू स्प्रेड इन मोर वेज, या वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड ना करे. उसके लिए हमें व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू अप्लाई दीज आईपीसी मेजर्स इन आवर हॉस्पिटल. फोकल पॉइंट या टीम या कमिटी के, इसमें जब भी हम, आप लोगों ने जब चेकलिस्ट देखा होगा, कुछ क्वेरीज आ रही थी कमिटीज के लिए इसमें आईपीसी चेकलिस्ट को फिल करने में. There we have mentioned COVID-19 के pertaining कुछ committee, infection prevention control की एक committee we have to form at our hospitals. So what are the role and what is the key point and why it is formed, why we have to maintain or make this committee or team? इसको basically what they have to function is कि इन्होंने देखना है कि हमारे सारे staff they do have the knowledge for this IPC measures or not, ये epidemic या outbreak के बारे में they do know anything about it or not. Assessment हमने अपने hospital का करना है अपनी preparedness के बारे में, कि हम कितना prepared हैं उसके लिए, कितने हम ready हैं, हमें self assessment हमें करना है. We have to apply some policies, we have to apply some standard operating procedures for our hospitals. That is कि आपको patient किधर से आप लेंगे, किधर से पेशेंट एंटर करेगा, किधर से पेशेंट जाएगा, किधर में वो फर्स्ट अपना ट्रीटमेंट करेगा, किधर में उसको फर्स्ट रिस्पांस मिलेगा. सो वी हैव टू डेवलप सम काइंड ऑफ पॉलिसी, सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. वी हैव टू डेवलप इट कस्टमाइज्ड फॉर योर फैसिलिटी, फॉर योर सोलो क्लिनिक और बी इट एनीथिंग और एनी सेंटर व्हाट यू आर रनिंग. हमें वहाँ के लिए कुछ पॉलिसीज डेवलप करना है. पार्टिसिपेट इन रिस्पॉन्स एंड रिकवरी. Participate in response and recovery. We have to participate in surveillance and monitoring that CMO office and the other officials in the government sector are asking you for. कि आप surveillance में या monitoring में हमें help करें. जो भी patients आपके यहाँ आ रहे हैं, if they are found positive or they are suspected for, you have to report it immediately to your hospital, to the DSOs or the IDSP office or the CMO office or whatever the instructions being given to you. नेक्स्ट इज अ पेशेंट मैनेजमेंट. किस तरीके से हमें पेशेंट को मैनेज करना है. वंस अ पेशेंट इज कमिंग, इफ ही इज क्रिटिकली इल, ही इज इन इमरजेंसी और ही इज हैविंग सम अदर कोमॉर्बिडिटीज, एंड हाउ वी हैव टू डील विद हिम और हर, दैट इज रोल ऑफ दिस कमिटी. दैट शुड बी अ रोल ऑफ दिस कमिटी. एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पेशेंट मैनेजमेंट दैट वी हैव ऑलरेडी, आज जो हमारा मीटिंग हुई थी वहाँ पर भी ये चीज़ डिस्कस हुई कि अगर आपको कोविड के केस में या कोविड के ये पैंडेमिक के केस में अगर आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस मॉडिफिकेशंस करने पड़ रहे हैं, लाइक यू वांट सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट फॉर हॉस्पिटल्स, अगर कोई मिनिमल से चेंजेस करके इफ यू कैन डू समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पेशेंट, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन कमिंग टू योर हॉस्पिटल्स,
for your staff to go apne, you have to do it. And last is the education. This committee, this team has to educate, has to give trainings to their staff mandatorily regarding this ITC. So general advice, these are the general advices for COVID-19. We have to avoid close contact with people suffering from acute respiratory infections. This is very important that we have to avoid any close contact. हमें हमेशा मेंटेन करना है, ओपीडी भी चलाते हैं या हम किसी से बात करते हैं, हम जहाँ तक की पॉसिबल है वी हैव टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस. फिर आपको फ्रीक्वेंट हैंड हाइजीन यू हैव टू डू परफॉर्म. यू हैव टू, जब भी आप कोई इल पेशेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपको हैंड हाइजीन परफॉर्म करना ही करना है. यू हैव टू अडॉप्ट रेस्पिरेटरी एटिकेट्स. आपको अपने साथ साथ पेशेंट्स को, बिकॉज वी आर द डॉक्टर्स, तो पेशेंट हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं, दे डू लर्न इट. तो वॉट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू टीच दैम ऑल्सो द रेस्पिरेटरी एटिकेट्स. वी हैव टू टीच दैम हैंड हाइजीन. तो काउंसिलिंग टाइम बाय टाइम वी हैव टू डू इट. मेडिकल मास्क पहनना या कुछ भी, दे हैव टू कवर देयर माउथ, देयर नोज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी मास्क पहने तो इट शुड बी इन अ प्रॉपर वे. प्रॉपर वे क्या होगा, तो यू विल सी इन कमिंग ऑडियोज एंड कमिंग वीडियोज एंड कमिंग पिक्चर्स व्हाट इज अ प्रॉपर वे. आपका माउथ एंड नोज बोथ शुड बी कवर्ड. थर्ड इज, आपको पेशेंट को एडवाइस करना है कि आप मेडिकल केयर सीक करें, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें. वी हैव प्रोविजन ऑफ टेली मेडिसिन ऑल्सो, तो आप टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं. इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू विजिट हॉस्पिटल्स एवरी टाइम. You have to avoid rush also. So that is that you can advise to the patients ki aap self medication hame bilkul bhi kisi bhi condition mein, we have don't have to do it by any ways ki aap medical medication self medication you don't have to do it. Aapko medical advice hi seek karna hai, either by telemedicine ya aapke koi family doctors hain unse ya jo bhi hai. So these are the advice you have to follow, but also you have to advise them to your patients coming either by telemedicine or if they are coming personally to your clinic. So what are the IPC strategies? IPC strategies में है कि आपको जो कोरोना या कोविड का जो स्प्रेड है, यू हैव टू लिमिट इट. आप जहाँ तक हो सके आपको उसको कॉन्साइज करना है कि वो एक जन से दूसरे व्यक्ति में ना फैले. तो हाउ यू कैन डू दैट इज अप्लाई स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस फॉर ऑल पेशेंट्स. यू हैव टू अप्लाई स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस. वील सी इट इन डिटेल्स वॉट आर द स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस इन कमिंग स्लाइड्स. We have to apply a standard precaution for all patients. There is no nothing like कि कोई symptomatic patient होगा या asymptomatic होगा, if he is lab tested positive or not. Irrespective of all these things, you have to apply standard precautions for all patients. Second is, you have to ensure triaging, early recognition and source of control. ये हमेशा मैं हर training में I used to advise this. Whatever level of hospital you are having, you are residing in or you're working in, you have to ensure a triage area, a pre-assessment area. Ek aapko dedicated place, you have to dedicate a place at your places where you have to do triaging. That is, triaging is all. Triaging is nothing. You have to just do the first assessment of the patient or the ill patient coming to your hospitals. Aapko unka first assessment karna hai. Assessment will be like, you have to do the thermal screening, you have to take the history of any kind of illnesses that we are, that all of you know ki COVID-19 ke kya kya symptoms hote hain, ho rahe hain. So you have to check all those symptoms if he or she is having, or ya unko hue ho wo symptoms and unhone ko symptomatic medicines le liya ho. So you have to make that triaging area as your first assessment area, jahan par ki aapko early recognition karna hai patient ka ki kahin wo कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हो सकता है या फिर वो किसी के कॉन्टैक्ट में आया हुआ हो सकता है या फिर वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है. तो आपको पहला एक उसका ट्राइजिंग यू हैव टू डू इट एट योर हॉस्पिटल. नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग एम्पायरिक एडिशनल प्रिकॉशंस फॉर सस्पेक्ट. जो भी आपके सस्पेक्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए आपको एडिशनल प्रिकॉशंस लेने हैं. लाइक एडिशनल प्रिकॉशंस में इंक्लूड लाइक यू हैव टू कीप डिस्टेंस. तो यू हैव टू मेंटेन विद ऑल ऑफ देम कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करना ही करना है. एडिशनल प्रिकॉशंस में हो सकता है कि अगर आप कोई बंदा कफिंग स्नीजिंग वाला है तो यू कैन यूज योर फेस शील्ड्स और इस तरीके के आप उसमें यूज कर सकते हैं. सस्पेक्ट पेशेंट्स की आप कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री और क्लियरली ले सकते हैं. नेक्स्ट इज द इम्प्लीमेंटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स एंड इंजीनियरिंग कंट्रोल्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड.
स्लाइटली के एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में व्हाट यू हैव टू डू इज कि ट्रेनिंग इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग ऑफ ऑल ऑफ योर स्टाफ इंक्लूडिंग द हाउसकीपिंग स्टाफ और बी इट द नर्सेज बी इट एनीवन बी इट वार्ड बॉय वार्ड आया बी इट एनीवन यू हैव टू ट्रेन ऑल ऑफ देम इंजीनियरिंग कंट्रोल्स इज नथिंग बट यू हैव टू एंश्योर दिस entry and exit area, this triage area, you have to ensure there at a triage area hona chahiye, entry exit hona chahiye for patient. The engineering controls mein you can also have the patient to staff ratio should be optimal. You have to clear all the where the COVID patient or the suspect patient are admitted. You have to clear all the clutter over there. अगर कोई room में patient admit है तो वहाँ पर आपको minimal से minimal सामान रखना है. You have to avoid all unnecessary articles over there, which can ever be a source of infection. So what are the standard precautions? Standard precautions हमें हर patient के लिए हर बार इस्तेमाल करना है, irrespective of suspected or the confirmed patient that we have already discussed. आपको risk assessment करना है patient का, assess health care activity and determine the So these are the standard precautions. First is the hand hygiene that you have to perform hand hygiene. We have discussed it. आपको 6 steps of hand wash perform करने ही करने हैं. You have to all do it. Hand hygiene में we include 2 things. First is the steps of hand wash. वो जो 6 steps of hand wash है, we'll not go into it. I expect this कि आप सब लोगों को वो चीजें पता हैं. Then we'll have 5 moments of hand wash. So this is the chain of transmission. ये chain infection के लिए ये infectious area है, उसके reservoir बनते हैं, port of exit है, फिर mode of transmission है, एक entry के लिए port चाहिए and then the susceptible host जो भी होते हैं वो they get the infection and they again become the infectious agents. Hand hygiene आपको कब कब करना है ये चीजें आप you can see it in the picture कि जब भी आप कोई door handles knobs touch करते हैं आप medicine टच करते हैं पेशेंट को देते हैं आप अपने सेलफोन टच करते हैं आप स्टेथोस्कोप टच करते हैं आप कोई इंस्ट्रूमेंट्स टच करते हैं या फिर जो केयर गिवर्स हैं दे आर टचिंग द बेड्स दे आर टचिंग द आईवी स्टैंड्स दे आर टचिंग एनीथिंग इन द हॉस्पिटल और द सराउंडिंग ऑफ द पेशेंट दे हैव टू परफॉर्म हैंड हाइजीन दीज आर द WHO रिकमेंडेड 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड वॉश So these are the WHO recommended 5 moments of hand wash. First is we have to do hand hygiene before touching the patient. Second is when we are going for any clean or aseptic or septic procedure. Then after the exposure of the body fluid of patient. Then after that, we have to wash our hands. Then after touching the patient, we have to do hand hygiene. And fifth is after touching any surrounding of the patient, we have to wash our hands. So these are the 5 moments when we have to do hand wash. These instructions should specially be given to the housekeeping staff and the ward boys and the ward ayahs. Then how we have to do the hand wash
we'll not go into it. I'll just focus on these hand rubs कि आपको कितनी देर करना है. You can all. सॉरी सर फॉर द इंटरप्शन, वो बहुत डिस्टर्बेंस आ गया था, मैंने रूम चेंज किया है. सो दिस इज हाउ वी हैव टू हैंड डू द हैंड हाइजीन. आई विल नॉट गो इनटू द स्टेप्स. द इम्पोर्टेंट थिंग इज जस्ट के जब भी आप हैंड वॉश करें, और यू कैन डू हैंड रब और हैंड वॉश, इट्स अप टू यू और इट्स अप टू द अवेलेबिलिटी दैट यू आर हैविंग. हैंड वॉश आपको करना है 40 to 60 seconds के लिए जब आप सोप एंड वाटर यूज कर रहे हैं, एंड हैंड रब के लिए यू कैन यूज सैनिटाइजर. सो दैट ऑल्सो यू हैव टू डू फॉर 20 to 30 seconds, बट द प्रोसीजर शुड बी द सेम. यू ऑल हैव टू अप्लाई दी 6 steps ऑफ हैंड वॉश. आइदर यू डू हैंड वॉश और यू डू हैंड रब. नेक्स्ट इज सर रेस्पिरेटरी हाइजीन और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स. सो यू हैव टू अडॉप्ट दीज एटिकेट्स. आई एम नॉट गोइंग टू दिस, पिक्चर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. बस ये है कि यू हैव टू guide your patients. The persons coming to you also, they have to cover their mask, their mouth with mask and or any cloth. They can use any homemade things. Jab bhi wo cough karenge, sneeze karenge, they have to do it in their elbows. This is a PPE we are using in healthcare for COVID-19. ये एक अभी पूरा सेट आ रहा है इस तरीके से, जिसमें कि सारे कुछ चीजें इंक्लूडेड होती है. फेस मास्क एंड 95 मास्क, फेस शील्ड, गॉगल्स, गाउन, एप्रन, ग्लव्स एंड हेड कवर, ये सारा कुछ उसमें इंक्लूडेड होता है. We'll see a video for this. We'll not go into literature. हम इसका एक वीडियो देखेंगे that will show how we have to don and go for our PPE. This is a risk assessment for PPE, risk assessment and standard precaution. जिसमें कि आपको इसका भी एक बाद में एक chart, जैसे government ने कुछ एक chart prepare किया है कि जहाँ पर कि हम एक assessment कर रहे हैं कि what are the risk things and where we have to use. This chart is only for promoting rational use of PPE items to be used. हर जगह हर PPE is not required. So we don't have to wear all the PPE every time. So क्या चीज़ हमने कब पहनना है, and what we have to use it. That will be explained in the coming chart, in the coming slides. We'll see that. Minimize direct. आपको सबसे importantly what you have to do is you have to minimize unprotected exposure to blood and body fluids. दो blood and दो blood से कोई अभी exposure के कोई positive cases का report नहीं किया है, but still we have to avoid any unprotected exposure to any body fluid or any blood of the patients. These are the principles for using PPE. We'll not go into the literature. We will see the video for this. आपको बस important thing is you don't have to reuse disposable PPE. It is not recommended by WHO also. You cannot reuse your PPE kit once it is used in with positive COVID positive lab tested positive cases. You cannot reuse it. You have to dispose it off, like our BMW. We'll not go into the literature. We'll see the video for donning and doffing of PPE. One thing we just have to keep in mind. कि जब भी हम डोनिंग करते हैं पीपीई का, दैट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. बिकॉज इम्पॉर्टेंट इन द सेंस इट इज इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स, बट इट इज नॉट दैट इन्फेक्शियस. बिकॉज जब आप जा रहे हैं
PPE पहनकर, तो यू आर इन अ स्टेराइल एनवायरनमेंट एंड यू आर नॉट इन एन इन्फेक्शियस एनवायरनमेंट, सो दैट इज नॉट दैट रिस्की. बट वंस यू हैव एंटर्ड एंड यू आर डोफिंग द PPE, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप जब डोफ करते हैं PPE को, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज इट कैन बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर यू ऑल. सो व्हेन यू आर डोफिंग, यू हैव टू कीप इट वेरी केयरफुल. He was doing this chitrakari on this. I don't get it. Usme kuch bahut sari cheezein ho ja rahi hai. Someone is doing something on the slides. So, but that 7 steps of safe injections that you all know. Ki aapko ek clean workplace hona chahiye. You should have a clean workplace where you are working. Ek hand hygiene you have to do perform. Sterile. Aapko sare syringes, vials, sab kuch clean hona chahiye. एंड शार्प आपके पास हमेशा बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के लिए, जो इसमें लास्ट पॉइंट है, अप्रोप्रिएट वेस्ट मैनेजमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इंजेक्टिंग इंजेक्शंस और यू आर गिविंग मेडिसिन टू पेशेंट्स. कि जब भी आप इंजेक्शंस लगा रहे हैं पेशेंट को, तो आपका जो शार्प वेस्ट है या जो भी वेस्ट आपका वहाँ से डिस्कार्ड हो रहा है, यू हैव टू कैरी इट इन योर ड्रेसिंग ट्रॉली इटसेल्फ. आपको ड्रेसिंग ट्रॉली पर ही डस्टबिन कैरी करने हैं, द बायोमेडिकल वेस्ट डस्टबिन, यू हैव टू कैरी देम ऑल एंड यू हैव टू डिस्पोज इट राइट देयर ओनली. बिकॉज अभी जब भी आप इंजेक्शन लगाते हैं, वंस यू रीकैप इट, आपको इतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको नीडल स्टिक इंजरी हो सकता है. तो जस्ट टू अवॉइड इट, यू हैव टू जस्ट डिस्पोज इट. यू हैव टू कैरी अ नीडल कटर विद योर सेल्फ, आप वहाँ पर ही उसको कट कीजिए. यू हैव टू कैरी अ रेड कलर डस्टबिन, देन यू कैन डिस्पोज ऑफ द प्लंजर एंड द सिरिंज प्लास्टिक पार्ट. So appropriate waste management is very important. Ensure cleaning, disinfection and biomedical waste management that we have already discussed. कि आपको biomedical waste management वही की वही करना है. That we'll discuss it later on also. This is a triage and early recognition and source control. तो जब भी आप patient को ठीक करते हैं या मैनेज कर रहे हैं, या मैनेजर से बताया कि जब भी आप पेशेंट आ रहे हैं आपके पास, इन पेशेंट्स आर सीकिंग योर हॉस्पिटल्स, सो व्हाट यू हैव टू डू इज द येलो थिंग इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द टाइमली एंड इफेक्टिव ट्रायज एंड इन्फेक्शन कंट्रोल. आपको सबसे पहले ट्रायज करना है. ट्रायजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू आइडेंटिफाई द पेशेंट, यू हैव टू फर्स्ट असेस द पेशेंट. आपको एक जब भी वो गेट पर एंटर हो, ही शुड गेट पेशेंट शुड गेट द इंफॉर्मेशन कि उसने कहाँ पे विजिट करना है, वेयर ही हैज़ टू गो द फर्स्ट स्टेप ही एंटर इनटू द हॉस्पिटल. तो जब भी वो हॉस्पिटल में एंटर करे, ही शुड बी वेरी स्ट्रीमलाइन फॉर द डायरेक्शन. ही शुड हैव बी डायरेक्टेड विद द डायरेक्शनल साइनेजेस शुड बी देयर कि वो यहाँ से उसको एंटर होने के बाद इस एरिया में ही हैज़ टू गो, कि वहाँ पर उनका ट्रायज होगा. एंड विद ऑल द इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसेस प्रिवेंशन मेजर्स यू हैव टू टेक, एंड आपको उसको ट्रायज करना. इट शुड बी कंडक्टेड वेरी फास्ट. द पेशेंट शुड नॉट बी अलाउड टू वेंडर हेयर एंड देयर इन योर हॉस्पिटल प्रेमिसेस सो एज टू इन्फेक्ट और अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर एनीबॉडी इन द साइड द हॉस्पिटल और टू द अदर पेशेंट. फिर आपको पेशेंट को एक डेडिकेटेड एरिया में एडमिट करना है. एक स्पेसिफिक केस एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स, आपको जो भी उसका केस है उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको मैनेज करना है उसके प्रोटोकॉल्स के साथ. फिर आपको उसका ईदर यू आर एडमिटिंग द पेशेंट, यू आर ट्रीटिंग द पेशेंट, यू आर ऑपरेटिंग द पेशेंट, सो यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट विद ऑल द मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स यू अप्लाई और द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस यू अडॉप्ट इन द हॉस्पिटल्स. एंड देन यू हैव टू transport the patient or you can discharge the patient or you refer the patient, whatever be the case, you have to do it on your own. This is just elaborated things that we have that I spoke earlier. Ki triaging or screening area mein kya kya hona chahiye, screening questionnaire should be there ki what questions you have to ask. You can make a checklist out of it or you can guide or you can train the personnel who is attending to a patient at the triage area ki aapko kya kya unse puchna hai, kaise kaise aap unka assessment karenge. Aapka ek algorithm hona chahiye triaging ke liye. You should have a questionnaire for it. You should document everything. The patient dealing with the patient should have proper PPE for that. He should have hand hygiene equipment for himself or the patient. Infrared thermometers wahan pe hone chahiye. Waste bins होने चाहिए. अगर वहाँ पर कुछ भी आप
यूज कर रहे हैं या कुछ ऐसा है कि आपको वहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट की जरूरत है, वट एवर थिंग यू नीड यू हैव टू पुट इट देयर. साइनेजेस आपको लगाने हैं यहाँ पर जिससे कि वो पेशेंट को गाइड कर सकें कि उनको किधर में कैसे जाना है एंड वॉट दे हैव टू डू. दिस इज अगेन वॉट वी हैव डिस्कस कि आपको एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना है. स्टाफ अगर उनको स्क्रीन कर रहा है तो भी वेटिंग एरिया उसमें कोशिश करना है कि पेशेंट को वहाँ पर वेट ना करना पड़े. पेशेंट को द फर्स्ट असेसमेंट शुड बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल. स्टिल अगर पेशेंट को वहाँ पर वेट करना पड़ रहा है तो इट शुड हैव वेटिंग चेयर्स. वन वे फ्लो होना चाहिए पेशेंट का. एंड फॉर स्टाफ इफ यू हैव टू गेट्स यू कैन यूज फायर एग्जिट गेट्स. ऑल ऑफ यू मस्ट बी हैविंग इफ यू अगर आपका कोई हॉस्पिटल है सेटअप है तो हमेशा ये मैंडेटरी होता है विद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यू हैव एनओसीज विद फायर ऑफिसर्स. तो वहाँ पर आपके हमेशा हर जगह पर फायर एग्जिट्स होते हैं. सो यू कैन यूटिलाइज दैट फायर एग्जिट गेट्स फॉर दिस वन वे फ्लो और एंट्री एग्जिट सेपरेट करने के लिए यू कैन यूज दोज गेट्स. तो आपको कोशिश करना है कि द पेशेंट्स शुड हैव अ वन वे फ्लो दैट दे शुड एंटर फ्रॉम वन साइड एंड एग्जिट फ्रॉम दैट. And the staff should enter from other gate and exit from that area only. Clear signage होने चाहिए. आप corona से related MOHFW की site पर या ICMR की site पर आपको बहुत सारे signage मिल जाएंगे जो आपके basic protocols हैं कि आपको क्या नहीं. It is just to educate persons, educate the patient and it should be preferred in local language. Family members जो भी आ रहे हैं patient के साथ one attendant should only be allowed. Overcrowding should not be done. अगर इसके साथ में I'll add कि अगर कोई patient अपना operate भी हो रहा है and if he's treating at a hospital तो उसमें भी आपको ये condition रखना है कि only one attendant should be allowed in hospital premises so that कि वो ज़्यादा अंदर बाहर ना करे और infection फैलने के या किसी चीज़ के chances कम से कम रहे. Overcrowding avoid हो सके. This is के hospital admission के लिए के timely and effective triage and infection control that we have discussed. Fully ventilated room होना चाहिए. ये भी चीज़ पहले discuss हुई है कि ACs should be avoided. अगर कोई ऐसे wards हैं but अगर कोई patient dedicated rooms हैं single patient वहाँ पर reside कर रहे हैं then you can use these ACs. But in that case also you have to ensure कि जब भी patient वहाँ से shift हो रहा है या refer हो रहा है या discharge हो रहा है you have to ensure कि patient के change होने के साथ वहाँ पर AC की भी cleaning वगैरह होती रहे. उसके filters वगैरह clean होते रहे. This is also mandatory. Do not place suspect patient in same area as those who are confirmed cases. You have to select some isolated areas. You have to have some isolated places, isolated beds for the patient who are confirmed for COVID and who are only suspect for COVID. So this is all when we are doing hospital admissions. क्योंकि अभी हमारे hospital admissions भी start हो गए हैं, हो जाएंगे. We have to do it. So these all things you should keep in mind. आपको हर पेशेंट को इफ ही इज अनबुक्ड ही और शी इज अनबुक्ड यू हैव टू ट्रीट ईच एंड एवरी पेशेंट एज कोविड पॉजिटिव पेशेंट एंड यू हैव टू डील विद कि ये एक इन्फेक्शियस पेशेंट है और आपको उसको उसी तरीके से ट्रीट करना है, डील करना है. यू हैव टू डील विद दैट पेशेंट. और आपको मेरा इसमें एक सजेशन भी होगा कि अगर आपके बड़े हॉस्पिटल्स हैं सो यू हैव एम्पल ऑफ स्टाफ इन योर हॉस्पिटल्स. What you can do is, as we are doing in our government hospitals also, हमने कुछ teams बना दिए हैं. We have dedicated some teams के ये एक अगर operation होना है तो अगर कोई seizure होना है तो gynecologist, anesthetist, एक कोई ward boy, एक sweeper and the minimal staff which is required in particular procedure. That dedicated staff is doing duty for 14 days or for 10 days. So 14 days he or she is doing duty and then hum unko wahi par hi active quarantine provide kara rahe hain. They have to live it in the hospital. We have arranged something ke aap usi hospital mein you have to stay for 14 days and then we change the duties with other staff. Wo dusre staff fir wahan par aayenge duty ke liye and they will do the duties. So in that way आप अपने घर के भी infections को या आप अगर कोई infection आपको होता है 0.1% अगर आप IPC measures करते हैं तो I don't think कि आपको कोई infection होने के chances रहते हैं because हमारे यहाँ पर बहुत सारे hospitals में L1 L2 hospital में COVID positive confirmed cases admit हुए and thankfully none of our staff got affected
infected with this virus. Sabke test hue and they lived in quarantine for 14 days and none of them tested positive. So fir bhi, lekin still we have provided them active quarantine and passive quarantine. But abhi passive quarantine ka concept finish ho gaya as per new guidelines of government. You have to just provide them with active quarantine facilities. So this is just my suggestion, if you can adopt it, ki aap apne hospital mein kuch teams bana karke you can dedicate ki aap bhai ye 10 log ya 15 log, they will do their work in hospital for 10 to 14 days and then they'll go to rest and then the other team will come. So this can be a procedure. What are the additional precautions? Additional precaution is nothing, but it is just ki aapko wo contact or droplet precautions aapko lene hain confirmed patients ke saath. Aerosol infection hai, so you have to be very cautious while you are doing any intubation or any resuscitation kind of processes. Open suctioning aap kar rahe hain, bronchoscopy if you are using. So you have to be very careful while using and aap jo bhi iske additional precautions aap adopt kar sakte hain, like intubation ke liye we can use that glass wali thing and we can maintain that distance also. So these are some other things you can use. Aapko natural ventilation use karna hai rooms mein. Negative pressure aapko maintain karna hai hospital wards ya jo bhi OT ya jo bhi aapke hain wahan par. और मिनिमम 12 एयर एक्सचेंजेस वहाँ पर होने चाहिए. 1 मीटर का डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है. हेल्थ केयर वर्कर को भी आपको पीपीई प्रोवाइड कराना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर कोई भी आपके हॉस्पिटल में इवन अ सिंगल पर्सन इज इन्फेक्टेड देन यू पीपल विल बी प्रोन टू इट. सो यू हैव टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम दिस इन्फेक्शन. This is our responsibility and why this is because we are providing this IPC training that are all staff, including be it a housekeeping staff, be it staff nurse, everyone he or she should not get any kind of infection, because this medical infection should be prevented by any ways. And these IPC measures can only be the way to protect. जो भी आपके कंफर्म कोविड पेशेंट है, दैट वी हैव डिस्कस दिस कि आपको सिंगल यूज इक्विपमेंट अगर पॉसिबल है तो आपको सिंगल यूज इक्विपमेंट्स यूज करने हैं. अगर स्टिल इफ यू आर यूजिंग इट मोर देन वन टाइम देन यू हैव टू प्रॉपरली डिसइंफेक्ट ऑल योर इक्विपमेंट्स विद 1% ऑफ हाइपरक्लोराइड सोल्यूशन. यू हैव टू मैंडेटरीली यूज दिस हाइपरक्लोराइड सोल्यूशन. दिस हाइपरक्लोराइड सोल्यूशन इज अवेलेबल इन मार्केट विद डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन. इट इज 5-6% सोल्यूशन अवेलेबल और इट इज इन 10% कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन. यू हैव टू डायल्यूट इट बाय एडिंग वाटर इन इट. जब भी आप 0.5% बिफोर दिस कोविड वी वर यूजिंग 0.5% हाइपरक्लोराइड सोल्यूशन इन आवर हॉस्पिटल्स. सो इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1:9 रेशियो. वन वेयर इफ यू हैव टू मेक 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ हाइपरक्लोराइड सोल्यूशन यू हैव टू एड 100 ml of hypochlorite solution in 900 ml of water. And but in COVID cases, we are using 1% of hypochlorite solution in each and every case. So for that, you have to use 2:8 ratio. That is 200 ml of hypochlorite solution should be added in 800 ml of water. So these are the concentration. You have to use this hypochlorite solution for disinfecting each and everything at your premises, at your hospitals, be it your equipments, be it your tabletops, be it your computers, be it your switchboard, be it your floors. You have to disinfect everything, each and everything at your hospital premises at least thrice a day with this hypochlorite solution. This is the outpatient care that we have already discussed. That we have already discussed that you have to try it and early recognition, then hand hygiene, respiratory hygiene, medical mask you have to wear, 1 meter distance you have to maintain, care of symptomatic, prioritization you have to, yes, this is very important, you have to prioritize your patients, that who are the emergency patients, and the patient can be postponed for their treatment, but you have to treat them. Agar aap postpone bhi karte hain, this is you that you have to treat them all. So it is all up to you, it's all up to your mind that what prioritization you do it. These are the administrative controls that we have already discussed. Many of these ke administrative controls mein aapko har staff ko training dena hai ki kaise they can deal with the patient.
Next, patient to staff ratio, it need to be maintained. Then you have to do surveillance for any infectious patient they are coming to. आपको हेल्थ केयर वर्कर एंड पब्लिक अंडरस्टैंड आपको इंपॉर्टेंस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपको मेडिकल से सेल्फ मेडिकेशन शुड बी अवॉइडेड बाय द पेशेंट यू हैव टू कीप देम ऑल यूज ऑफ मास्क दिस वी हैव आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मच अबाउट इट कि आपको मास्क यूज करना है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यू हैव टू कवर योर माउथ विद योर नोज यू हैव टू कवर योर नोज एज वेल व्हाट वी आर डूइंग इट कि हम अपना सिर्फ माउथ कवर कर लेते हैं और नोज वी केप्ट इट ओपन बट दैट इज नॉट द राइट वे टू यूज मास्क करेक्टली सेकेंड इज कि यू कैन नॉट यूज वंस यू आर डीलिंग विद कोविड 19 पॉजिटिव केसेस यू कैन नॉट यूज दैट मास्क अगेन यू हैव टू डिस्कार्ड इट And remember when you are discarding it, आप उसको cut करके फेंकिए because these can be reused by any other persons. So in order to avoid that, you have to cut that mask. आपको mask cut करके ही discard करना है. If you are using that, if you want to reuse the mask, you don't have to wash it. आपको उसको wash नहीं करना होता. If you just put it in some bags or any paper bags or whatever thing you want to. आपको उसको पेपर बैग में पैक करके रख देना है दीज आर द एम्स गाइडलाइन दैट यू कैन यूज द मास्क यू आर यूजिंग इट ऑन फर्स्ट डे यू कैन यूज इट ऑन फिफ्थ डे आप एक मास्क को वापस फिफ्थ डे पर यू कैन वियर इट बट यू कैन नॉट वॉश इट यू डोंट हैव टू वॉश इट जस्ट आप उसको ड्राई ऐसे यू कैन पुट इट इन सनलाइट और इन जस्ट नॉर्मल लाइट इट्स मोर देन इनफ आपको बाकी जो पेशेंट्स आपके यहाँ आते हैं आप उनको ये भी गाइड करना है कि आप प्लीज़ अवॉइड करें मेडिकल मास्क को पहनना बिकॉज उससे ठीक है आपको फायदा हो सकता है बट दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द हॉस्पिटल स्टाफ फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स दैट दे शुड यूज इट आप उनको गाइड कर सकते हैं कि भाई आप घर में बने हुए मास्क पहने बिकॉज यू कैन वॉश इट डेली एंड यू कैन रीयूज इट अगेन तो दिस इज नथिंग इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस दीज आर द पिक्टोरियल डायग्राम्स फॉर What you have to do and what you don't have to do. Avoid spitting in a public. This is also very strict rules nowadays that you have to avoid spitting. I think this must be clear. There is no confusion in this slide. Next is the biomedical environmental cleaning, disinfection and biomedical waste management we'll discuss. Environmental decontamination हमने कैसे करना है हमें कैसे medical equipment clean करने हैं हमें soil bedding towels and everything we have to clean them all. जो भी patient rooms occupy कर रहे हैं we have to clean them. Patient जब discharge हो रहे हैं या transfer हो रहे हैं we have to clean each and everything inside the hospital, inside the room जहाँ पर भी patients थे So these are the general principles that we have to use. There is nothing much to explain. It is all ki aapko everything you have to clean. You have to clean each and everything that I've already explained. The fans, the switchboards, the tabletops, everything. You have to clean each and everything with 1% hyperchloride solution. क्योंकि कोविड 19 वायरस इट डजंट सर्वाइव इन एयर इट सेटल्स डाउन ऑन सर्फेसेस एंड इट लिव्स फ्रॉम आवर्स टू डेज तो आपको वहाँ पे उनकी क्लीनिंग यू हैव टू एंश्योर कि उनकी क्लीनिंग होती रहे आपको एक्सक्यूज मी अभी संजय सर का कॉल आ रहा है मैं प्लीज़ एक सेकेंड होल्ड करूँगी हेलो जी सर क्लीनिंग चल रही है जी सर
हाँ जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन. सो व्हाट वी वर सेइंग कि हमें हर कुछ चीज वी हैव टू क्लीन ईच एंड एवरीथिंग विद 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन. प्रेमिसेस जो भी हमारे हैं वो हमें रीयूज करने से पहले वी हैव टू क्लीन देम ऑल द थर्मामीटर्स द स्फिग्मोमैनोमीटर द स्टेथोस्कोप ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू क्लीन. होते हैं कुछ हमने मार्क किए हैं कि कुछ हाई टच सर्फेसेज हैं, कुछ लो टच सर्फेसेज हैं. हाई टच सर्फेसेज में इंक्लूड डोर नॉब्स, बेड रेल्स, लाइट स्विचेस, वॉल एरियाज एंड कर्टेन्स जो भी होते हैं, तो ये सब हाई टच एरियाज हैं. तो मेरा इसमें रहता है कि भाई आपको बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ रखें ही नहीं. जहाँ पे भी आपने पेशेंट्स एडमिट करने हैं, यू शुड कीप द थिंग्स विच आर मैंडेटरी फॉर यूसेज, अदरवाइज यू कैन रिमूव देम ऑल. आपको टॉयलेट्स वगैरह भी सब कुछ 1% हाइपोक्लोराइड से ही क्लीन करवाना पड़ेगा. यू हैव टू मेक श्योर कि ये सारा कुछ क्लीन हो. ब्लड प्रेशर के जो स्फिग्मोमैनोमीटर के कफ्स होते हैं, डायलिसिस मशीन्स हैं, यू ऑल हैव टू क्लीन इट विद 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन. मैट्रेसेस भी आपको क्लीन कराने हैं. हैंड हाइजीन करनी है. आप जब भी आप डी ग्लव करते हैं अपने आप को, जब आपने ग्लव्स हटाए या अपना पीपी हटाया, तो यू हैव टू डू हैंड हाइजीन. हैंड हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड. सो दीज आर ऑल द यू कैन सी इट इन द स्लाइड ऑल्सो कि स्टेथोस्कोप को भी आपको क्लीन करना है. कफ्स एंड और ये सब कुछ इसमें डिस्क्राइब्ड है इन डिटेल्स. So what we can use it in easy ways ke aap hypochlorite solution se you can spray hypochlorite solution or you can brush cotton dipped in 1% of hypochlorite solution on your instruments, on your dressing trolleys, on your injection trolleys, on your thermometers and everything. लॉन्ड्री के लिए भी हम आपको यही बताएंगे. सजेशन है कि उसमें आपको थ्री काइंड ऑफ लिनन वी यूज टू क्लासीफाई. फर्स्ट इज द डर्टी लिनन, दैट इज वो सिर्फ मैला हो गया, इट्स ओनली डर्टी विद डर्ट. सेकेंड इज द इन्फेक्शियस लिनन, दैट इज इन द केस ऑफ इन्फेक्शियस दिस डिजीज COVID-19, बिकॉज इट कैन बी इट इज फ्रॉम द इट हैज टच द पेशेंट विद इन इन्फेक्शियस कॉन्टाजियस डिजीज, सो दैट इज इन्फेक्शियस लिनन. एंड थर्ड इज द सॉइल्ड लिनन, दैट इज जो भी ब्लड या पस से या किसी पेशेंट फ्लूड से मैला हो गया है, दैट इज सॉइल्ड लिनन. सो दीज आर द थ्री कैटेगरीज ऑफ लिनन. तो COVID-19 के केस में या बेड टॉवल्स या बेडिंग या कट शीट्स, वट एवर यू आर यूजिंग, यू हैव टू कलेक्ट देम ऑल. यू हैव टू डिप इट इन 1% ऑफ हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन एंड बेटर देन यू हैव टू लॉन्ड्री इट इन वट एवर वे यू वॉन्ट टू. वॉट इज रिकमेंडेड बाई गवर्नमेंट इज यू हैव टू वॉश इट इन हॉट वाटर ऑफ 70 degrees centigrade ऑफ टेम्परेचर, बट यू कैन यूज इट विद इन योर, जैसे भी आप लॉन्ड्री करते हैं, यू कैन डू दैट वंस इट इज डिप्ड इन हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन और इन इथाइल अल्कोहल सोल्यूशन. यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का 0.5% मैंशनड है, बट इन कोविड केसेज वी आर यूजिंग इट with 1% of concentration only everywhere without any confusion. आपको कोई भी soiled linen या जो भी आप kerchiefs, towels हैं, you don't have to carry it in open. आप कोई closed containers, you have to make it a dedicated container for linen also. आपको पेश आपको जो भी उसको बंदा carry कर रहा है, you have to tell him कि भाई इसको covered में लेकर आना है, and you have to dip it in hypochlorite solution. So that is the how you have to do laundry process. ऑक्यूपाइड रूम्स जो हैं पेशेंट के, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपको सब कुछ क्लीन करना है. यू कैन यूज अ चेकलिस्ट, अ डेडिकेटेड चेकलिस्ट फॉर रूम क्लीनिंग ऑल्सो, जिसमें कि आप मार्क करें कि हाँ भाई एक एक चीज़ के लिए यू कैन राइट इट डाउन इन द चेकलिस्ट के ये पॉइंट्स हैं. फैन क्लीन हुआ कि नहीं हुआ, फ्लोर क्लीन हुआ, टेबल क्लीन हुआ, बेड रेल्स के क्लीन हुए या नहीं, यू कैन यूज दैट. इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंटली यू हैव टू ट्रेन योर क्लीनिंग स्टाफ that they have to clean each and everything, the walls, the roofs, the everything aapko wahan par clean karwana hai jahan par ki patient admit hua tha ya aapko lag raha hai ki wahan par ki covid positive cases ya housekeeping cleaning of housekeeping surfaces and eating utensils used by the patient is known or suspect. No special precautions other than standard precautions. जब भी आप पेशेंट के डिशेज या ट्रेज या यूटेंसिल्स को वॉश कर रहे हैं या करवा रहे हैं,
बेटर यूज डिस्पोजेबल थिंग्स, अगर डिस्पोजेबल वहां पर आप यूज कर सकते हैं दैट इज द बेस्ट वे. स्टिल इफ यू हैव डिशेज एंड ट्रेज एंड यूटेंसिल्स देन यू हैव टू जस्ट अप्लाई द बेसिक स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, दैट इज यू हैव टू वियर ग्लव्स, यू हैव टू do hand hygiene, you have to perform hand hygiene, your staff should be trained for this. Next is the spill management. Spill management is nothing but jab aapka koi blood spill ho jata hai aapke kahin pe bhi, either in labs, pathologies jahan par ek drops of blood spill hota hai, ya fir OTs and labor room jahan par ki large spill blood hota hai, to all you have to do is ke aapka jabhi bhi blood spill hota hai, that is aap dekh rahe honge screen par jaise likha hai ki small spill and large spill. Small spill is jab aapka, अगर आप अपना पाम को ब्लड के ऊपर में रखें जस्ट इस तरीके से, तो आपका उसमें मैं ऐसे दिखा देती हूँ कि अगर आपके पाम के बराबर में कोई ब्लड स्पिल हुआ है, इतना एरिया है, तो दैट कम्स इन कैटेगरी ऑफ स्मॉल स्पिल. और अगर इससे लार्जर है तो दैट कम्स इन लार्ज स्पिल. तो स्मॉल स्पिल एंड लार्ज स्पिल के मैनेजमेंट में जस्ट अ स्मॉल डिफरेंस इज कि जब भी आप स्मॉल स्पिल मैनेज करते हैं तो वॉट यू हैव टू डू इज कि आपने उसके ऊपर हाइपरक्लोराइड सोल्यूशन डाला, 1% हाइपरक्लोराइड सोल्यूशन अप्रॉक्सीमेटली इन द सेम अमाउंट एज द स्पिल वॉज, उतना आपने उसमें डाला. देन यू हैव टू वेट, द कॉन्टेक्ट टाइम इज 20 मिनट्स, यू हैव टू वेट फॉर 20 मिनट्स एंड देन आपको अंदर से बाहर के प्रोसीजर में इस तरह से यू हैव टू क्लीन इट फ्रॉम द सर्फेस एंड देन पुट इट इन द येलो बिन्स. एंड देन फॉर लार्ज स्पिल्स वॉट यू हैव टू डू इज कि आपका जहाँ पर भी ब्लड स्पिल हुआ है वहाँ पर आप कोई भी एब्जॉर्बेंट, कोई भी टिश्यू पेपर या फिर कोई एक न्यूज़पेपर्स आप वहाँ पर डाल सकते हैं, और न्यूज़पेपर के बाद आपको उसके ऊपर हाइपरक्लोराइड सॉल्यूशन डालना है. द पर्पस इज द जहाँ पर भी आपका इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस हैं, यू हैव टू डिसइंफेक्ट द थिंग देन एंड देयर ओनली. जहाँ पर भी वो जनरेट हो रहा है सोर्स, यू हैव टू डिसइंफेक्ट इट देन एंड देयर. ब्लड है, इट कैन बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यू हैव टू डिसइंफेक्ट इट देन एंड देयर ओनली. उसका कॉन्टेक्ट टाइम इज 20 मिनट्स. वॉट यू हैव टू डू कि जब आपने आपको उसके ऊपर हाइपरक्लोराइड सोल्यूशन डाला, आपको वहाँ 20 मिनट का टाइम देना है कि वो डिसइंफेक्ट हो. एंड देन यू हैव टू कलेक्ट the newspaper and then you have to put it in yellow bins, that is the biomedical waste yellow color dustbins, and then you have to clean it the way you use your mops, the floor cleaning the way you do it. So these are the respiratory that we have already discussed. Next the topic is the biomedical waste management. Biomedical waste management rules jo abhi hum use karte hain, these are 2016 rules which are amended in 2018 and then in 2019. We'll have just the important points over here. कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट आपका 48 आवर्स से ज़्यादा के लिए स्टोर नहीं होना चाहिए आपके हॉस्पिटल प्रमाइसेस में. इट शुड बी हैंडेड ओवर टू द CBWTF एजेंसी. दीज आर द कैटेगरीज मेड. सिर्फ इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं COVID-19 के केस में, दैट आई विल लेट यू नो. जैसे इसमें येलो बैग में व्हाट वी वर डूइंग इज कि इसमें हम ह्यूमन वेस्ट, एनाटॉमिकल वेस्ट एंड टिश्यूज वी यूज टू पुट देम, सॉइल्ड वेस्ट हम इसमें डालते हैं, केमिकल वेस्ट वी यूज टू पुट इट, जो भी एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड लिनन है वो हम इसमें डालते हैं, एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन हैं दैट वी पुट इट इन येलो बैग्स, तो इसमें हमें वही डालना है. तो वन एडिशन वी हैव टू डू इन केस ऑफ कोविड इज वी हैव टू पुट आवर PPE ऑल्सो इन दिस येलो बैग्स. आपको अपना PPE जो पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं वो भी आपको येलो बैग में डालना है, बिकॉज येलो बैग का वेस्ट जो होता है दैट इज इंसिनरेटेड, वो भट्टियों में जलाया जाता है बाय द CBWTF एजेंसी. So we don't have to reuse the our PPE, so we have to put it in yellow bags. Next comes the red bags. Red bags mein what we have to put, this is the list, these are the tubings and the bottles or the plastic material generated inside the hospital, we have to put it in yellow, in these red bags. Catheters, be it urine bags, be it syringes, be it vacutainers, either gloves likha hua hai, but these gloves in this COVID cases we have to put it in yellow bag. Otherwise what we did, hum jab normal mein we were using to hum gloves रेड बैग में ही डालते थे, वंस वी डिसइंफेक्टेड विद हाइपरक्लोराइड सॉल्यूशन एंड देन वी पुट इट इन रेड बैग. लेकिन यहाँ पर हमें इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर डिसइंफेक्शन वी हैव टू पुट इट इन येलो बैग ओनली.
नेक्स्ट इज द व्हाइट कलर बॉक्स. व्हाइट कलर में हमने नीडल्स डालना होता है, स्कैल्पल्स, ब्लेड्स, मेटेलिक इम्प्लांट्स, एवरीथिंग वी हैव टू पुट इट इन दिस व्हाइट बॉक्स. नेक्स्ट कम इज द ब्लू बॉक्स. दिस इज द पंक्चर प्रूफ बॉक्स और द लीक प्रूफ बॉक्स. ग्लासवेयर में आपको ब्रोकन एंड डिस्कार्डेड कंटामिनेटेड ग्लास डालने होते हैं, बी इट एम्पल्स, बी इट वॉयल्स, ऑल द ग्लास वेस्ट वी हैव टू पुट इट इन ब्लू कलर बॉक्स. दिस इज द लेबलिंग दैट वी हैव टू डू इट इन आर BMW बैग्स. COVID-19 के केसेस में टू चेंजेस आर मेजरली डन, दैट आपको कोई भी जो भी आपका वेस्ट कंटेनर्स हैं, यू हैव टू मार्क इट विद COVID-19 वेस्ट. यू हैव टू मार्क द बैग्स विद COVID-19 वेस्ट. इफ इट इज पॉसिबल, इट इज हाईली रिकमेंडेड बाई गवर्नमेंट दैट यू हैव टू स्प्रे दोज पॉलिथीन्स, दीज बैग्स, यू हैव टू स्प्रे इट विद हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन. यू हैव टू यूज डबल बैग्स. जो आपका येलो बैग है, येलो डस्टबिन है, आपने उसमें येलो बैग डाला है, तो यू हैव टू पुट इट इन डबल बैग्स. आपको दो येलो पॉलिथीन्स यूज करना है, द इनर वन टू बी टाइड सेपरेटली एंड द आउटर वन टू बी टाइड सेपरेटली. सो दीज आर द रिकमेंडेशंस इन COVID-19 केसेस. फर्स्ट इज यू हैव टू पुट PPE इन योर येलो बैग्स. सेकेंड इज यू हैव टू मास्क योर वेस्ट विद COVID-19 वेस्ट. एंड थर्ड इज यू हैव टू पुट डबल लाइनर्स इन योर फेस बिन्स. So this is all, this is the pictorial diagram that we have already discussed, that I was telling you that yellow waste is incinerated, the red waste is sent for recycling after autoclaving or microwave, hot oven or other processes. It is disinfected first and then it is sent for recycling. And the white waste, this is again done by autoclaving and other heat, dry heat sterilization. It is followed by shredding and it is mutilated and again it is sent to the agencies for reutilization. And the blue bags, this is also sent to recycling authorities after disinfection. So this is the biomedical waste. Actually, biomedical waste, we can define biomedical waste as it is any waste which is जो भी आपके हॉस्पिटल से वेस्ट जनरेट होता है, द हॉस्पिटल वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस्टिक प्रोसेस ऑफ पेशेंट, दिस इज योर बायोमेडिकल वेस्ट. हेलो डॉक्टर पूर्वा. हाँ जी सर. आपका ना स्लाइड मूव नहीं कर रहा है, या तो दोबारा स्लाइड शेयर कर लीजिए एक बार. दैट बायोमेडिकल वेस्ट वाली. हाँ, ये काफी देर से नहीं कर रही है मूव, तो एक बार आप हाँ मैं एक बार ही फिर से मैं दोबारा से स्लाइड शेयर स्क्रीन कर लीजिए. ओके, अभी दिख रहा है? अभी भी नहीं चेंज हुआ है. ये मेरे में तो नजर आ रहा है. मैं इसमें चेंज कर, मैं आपका ये स्लाइड शेयर ऑफ कर देता हूँ, फिर आप दोबारा से एक बार कर लीजिएगा, है ना? स्टॉप. ये दिख रहा है अभी? हाँ, अब आ गया. नाउ इट इज तो कहाँ से फिर मैं कहाँ से इसको प्ले करना शुरू? अभी तो कंटिन्यू करते हैं, कोई नहीं, यू आर ऑडिबल, कोई दिक्कत नहीं. ओके, तो ये बायोमेडिकल वेस्ट पार्ट इज डन, राइट? हाँ, आपने बताया कि येलो बैग जो है वो इंसिनरेट होता है, तो हमें पीपी जो है वो येलो बैग में रखनी है, बाकी सब पुराना है, है ना? जी जी जी, येलो बैग में ओनली थ्री चेंजेस आर डन. बैग में रखते थे, अभी हमें पीपी किट को येलो बैग में रखना है, राइट? एंड येलो बैग में रखना है. सेकंड इज आपको डबल बैग्स यूज करना है. एंड थर्ड इज यू हैव टू मार्क इट COVID-19 वेस्ट. ऑल द वेस्ट शुड बी मार्क्ड एज COVID-19 वेस्ट. And it has to be sanitized, medical, hypo solution.
जी, the polythene from outside should be sanitized. This is the labeling signal for biomedical waste. So should I continue with the other slide? Yes. These are the points we have already discussed. I just wanted to share this this point. This was the, I think it is visible. Yes, madam. This was a chart I was talking about for the rational use of personal protective equipment, that you don't have to use all the PPE everywhere. So this is the picture for that. जैसे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट में व्हाट वी हैव रिटन इज ट्राइज एरिया इन ओपीडी. सो इन ट्राइज एरिया ऑफ ओपीडी यू ओनली हैव टू यूज N95 मास्क एंड ग्लव्स. यू डोंट हैव टू यूज ग्लाउन कवरऑल्स एंड दीज गॉगल्स एंड हेड कवर्स एंड शू कवर्स. इट इज नॉट रिक्वायर्ड. सो ऑल दीज ग्रीन मार्क्स थिंग्स आर द रिक्वायर्ड एंड दीज आर द पेशेंट केयर एक्टिविटीज ऑफ द एरियाज वेयर यू नीड ऑल वेयर यू नीड व्हाट प्रोटेक्टिव गियर. So you have to use accordingly. These all slides will be shared to Dr. Vani and she'll share it, or you can directly share your email addresses. We'll share it by office to each and everyone. So you can see that you can refer these. This is nothing, but it is just for the rational use of personal protective equipment, that every protective gear is not required every time. So you have to use it very rationally. This point we have discussed already, the use of disinfectants. कि आपको कैसे 5% solution से 1% solution, how you have to make hypochlorite solution with it. That we have already discussed. And this is the triple bucket system, and this is the way आपके housekeeping staff को कैसे function करना है, how they have to clean the surfaces. This is the 8. इस तरीके से उनको cleaning करना है. They have to start from inwards to outwards. इसमें एक थ्री बकेट सिस्टम का जिक्र किया गया है. इसमें जैसे कि वी यूज थ्री बकेट्स फॉर क्लीनिंग, वन इज फॉर वॉशिंग, वन फॉर रिंसिंग एंड थर्ड बकेट इज हैविंग द डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन. तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको एक बकेट लेना है जिसमें कि वाटर एंड डिटर्जेंट होता है. दिस इज फॉर द पर्पज, इट कैन, इट इज यूज फॉर रिंसिंग और सैनिटाइजिंग. एंड द सेकेंड इज जहाँ पर आप अपने सिर्फ रिंस करते हैं अपने मॉप को. थर्ड इज यू हैव टू डिसइंफेक्ट द मॉप यू आर यूजिंग इन योर हॉस्पिटल्स. सो दिस इज द प्रोसीजर. यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू योर वर्कर्स, जो हाउस कीपिंग स्टाफ है, यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू देम कि आपको कैसे क्लीनिंग करना है. आपको मॉप लेना है फर्स्ट, आपको उसको डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन में डालना है. यू हैव टू क्लीन द फ्लोर, देन यू हैव टू वॉश इट, देन यू हैव टू रिंस इट, एंड देन यू हैव टू अगेन पुट इट इन the disinfecting solution and clean the floor. So this should be the procedure adopted. This is environmental cleaning and disinfection that we have already discussed. ये ambulance के लिए कुछ guidelines हैं कि जब भी आप patient को transfer कर रहे हैं, transport कर रहे हैं, अगर कोई assisted ventilation पर नहीं था तो you are at moderate risk. You can use N95 mask and gloves only. अगर कोई आप सारी के patient को या severe acute respiratory infection के patient को transport, so you are at high risk. You have to use these face protection also, that shield also you have to use it. And then the driving the ambulance, agar aap drive kar rahe hain, you are at low risk, you can use triple layer mask and gloves. The important thing is ki jab bhi aap apne ambulance ko use kar rahe hain patient ko transportation karne ke liye, that you have to clean your this ambulance with 1% hypochlorite solution. You have to disinfect it with 1% hypochlorite solution. After this, your floors, ambulance, day, everything, you have to clean it. You have to once disinfect each and everything of your this ambulance used for transportation, just to avoid any infection to other patients coming or to the staff.
this all we have already discussed in other slide. This slide I played just for that IPC checklist. There were some queries regarding that. Apurva, there is a confusion regarding disposal of gloves. सर देर इज नो कन्फ्यूजन आई जस्ट टोल्ड के जब भी हम कोविड से पहले वॉट वी वर डूइंग कि हम जो ग्लव्स थे हम उसको अगर दे आर सॉइल्ड इफ दे आर सॉइल्ड विद ब्लड एंड पस और एनी लिक्विड फ्रॉम पेशेंट वॉट वी यूज अर्लियर हम उसको डिसइनफेक्ट करते थे पहले इन हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन एंड देन वी यूज टू डिस्कार्ड इट इन रेड बिन्स कट करने के बाद But in this COVID cases, we don't take, we are not using this. We are, what we are doing is, we are just discarding directly it in the yellow bin. So we have to discard it in the yellow bin zone. In non-COVID hospital, because most of them are from non-COVID hospital. Sir, so, what the system has to be followed? Actually, this is, no, in that case, if you are in non-COVID hospital, then you can disinfect it, but you have to disinfect it because you don't know what you have touched the whole day or the time duration you are wearing it. You have to disinfect it and then after cutting, you can discard it in the red. This basically what we, ye humne jo baat kiya tha, that is basically the PPE kit and PPE kit what we are using it on COVID patient or the suspect patient. So in that case, we have to discard it in the red, in the yellow bin. Is that okay, sir? Okay, thank you. Okay, sir. Next is the, this is the monitoring and supervision checklist. SP. This is the monitoring checklist that dedicated for COVID-19 hospital, but this checklist has been shared, will be shared to all of you via WhatsApp or via mail. Dr. Vani must have shared it. You all have to fill it, even if it is a solo clinic, if it is whatever it is, because ye CDO madam ka bahut hi ek recommendation hai. She want everyone to be assessed on this checklist, on this particular checklist. Aur please main aapko please ek cheez clear kar lu ki this checklist is not at all a kind of assessment for all. It is just to assess our preparedness, how much we are prepared for this pandemic, for this disease. Our hospital is how much prepared for it. And one more thing, I just want to make it clear ki aapko isme ऐसा नहीं करना है कि यू हैव टू फुलफिल ईच एंड एवरीथिंग इन योर हॉस्पिटल्स इन कॉन्टेक्स्ट टू दिस चेकलिस्ट इफ यू आर नॉट हैविंग आईसीयूज इफ यू आर नॉट हैविंग डेडिकेटेड प्लेस फॉर वॉशिंग और डिसइनफेक्टिंग द एम्बुलेंसेज यू डोंट हैव टू क्रिएट दैट प्लेसेस व्हाट वी ऑल वांट इज कि आपको जो भी प्रोसेस के पॉइंट्स हैं द प्रोसेस पॉइंट्स नीड टू बी दैट कैन बी डन लाइक द प्रोटोकॉल्स यू ऑल शुड हैव द कैपेसिटी बिल्डिंग द ऑल स्टाफ शुड बी डन विद The trainings should all staff be done with. So this is the basic motive of this checklist that these are the mandatory things that you should have at your hospital. The triage area, you should have a particular area for triaging of the coming patients. So these are the mandatory things need to be done at your hospitals. So this checklist is just for assessing yourself for this COVID pandemic. There is nothing like if we are doing assessment of your hospitals at how much rich and how much how much worthy you are. It is nothing like that. So we'll go like this. We have done categorization of COVID hospitals. Sabse importantly, ke main aapko ye clear kar do because this was a confusion. I thought in the meeting also that we had in morning with CDO madam and DM sir, ke people are having confusion with this L1 and L2 hospital. Ke ye L1 L2 facilities kya hai? In general premises, in general condition, what we think is ke L1 L2 is the level of hospital, the specialty of the hospital they have. Is categorized like L1, L2 and L3 facilities, but this is not the case in quarantine, in this COVID scenario. L1, L2 facilities ka categorization jo hua hai, that is a bit different in normal terms and it is very different in this COVID terms. So COVID care centers jo hum bana rahe hain, they are also called as quarantine centers. तो यहाँ पर जो पेशेंट्स रखे जा रहे हैं जैसे कि हमारे यहाँ पर कुछ हॉस्पिटल्स हैं जैसे सुंदरदीप है एक आइडल हॉस्पिटल है एक IMS था RKGIT है दीज आर सम क्वारंटीन सेंटर्स सो दीज आर द प्लेसेस वेयर द सस्पेक्ट और द सस्पेक्ट केसेस और द वेरी माइल्ड मतलब आई विल से कि ओनली सस्पेक्ट पेशेंट जो भी हैं दे आर नॉट टेस्टेड पॉजिटिव स्टिल फॉर कोविड जो नेगेटिव केसेस हैं या जो कि अभी लैब टेस्टेड पॉजिटिव केसेस नहीं है हम उनको क्वारंटीन सेंटर्स में रख रहे हैं
So these are some of the quarantine centers where we have all the suspect patients and the non-lab tested cases of COVID. हम क्वारंटीन सेंटर्स में वो पेशेंट्स को रख रहे हैं. नेक्स्ट कम इज द L1 फैसिलिटी. L1 फैसिलिटी वी हैव CHC मुरादनगर एज L1 फैसिलिटी. वी हैव ESIC इन साहिबाबाद एज L1 फैसिलिटी. सो दीज आर द L1 फैसिलिटीज जहां पर कि हमारे कोविड कंफर्म्ड पॉजिटिव केसेस रहे. दे आर विद नो सिम्टम्स और विद मॉडरेट सिम्टम्स. सो दे आर केप्ट इन L1 हॉस्पिटल. दीज आर द L1 फैसिलिटीज. नेक्स्ट कम इज द L2 फैसिलिटी. एंड L2 फैसिलिटी में अभी संजय नगर है, जैसे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल एट संजय नगर, दिस इज एंड द कैटेगरी ऑफ L2 हॉस्पिटल वेयर वी हैव सम काइंड ऑफ सिम्टम्स, जहाँ पर हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा केयर देने के लिए हमारे पास वी हैव एनेस्थेटिस्ट फॉर द स्पेशल केयर, वी हैव स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स फॉर स्पेशल केयर्स. सो दीज आर द L2 लेवल ऑफ हॉस्पिटल एज वी हैव इट इन संजय नगर हॉस्पिटल. नेक्स्ट कम इज द L3 हॉस्पिटल. L3 में अभी हमारे पास कैटेगरी में सिर्फ संतोष मेडिकल हॉस्पिटल है, दैट इज विद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड दैट इज फॉर कोविड पॉजिटिव विद वेरी सीवियर सिम्टम्स. दे आर हैविंग अ हाई क्वांटिटी ऑफ वायरल लोड एंड दे आर हैविंग सिम्टम्स विद, दे आर विद कोमॉर्बिडिटीज एंड दे कैन नॉट बी ट्रीटेड इन L1 वेयर विद ओनली ऑक्सीजन सपोर्ट, L1 L2 हॉस्पिटल वेयर ओनली वेंटिलेटर्स. एंड जब जहाँ पर उन्हें कोई और केयर की जरूरत है, दे नीड स्पेशलिस्ट फॉर देयर ट्रीटमेंट, तो वहाँ पर हम उन्हें L3 हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करते हैं. सो दिस इज द कैटेगराइजेशन ऑफ कोविड हॉस्पिटल्स विद L1, L2 एंड L3 एंड द क्वारंटीन सेंटर्स. इट हैज नथिंग टू डू विद अ मल्टी स्पेशलिटी, या हम L3 लेवल जो हम बात करते हैं कि जो हाईली स्पेशलाइज हॉस्पिटल्स हैं वेयर वी हैव एवरीथिंग, वी हैव एवरी काइंड ऑफ केयर. दिस इज नॉट दैट कैटेगराइजेशन. सो दिस इज द चेकलिस्ट जहाँ पर कि आपको सबसे पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है हॉस्पिटल की, कि डिस्ट्रिक्ट के आपके हॉस्पिटल का नाम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, डिविजन, स्टेट. दिस इज द जनरल इन्फॉर्मेशन यू हैव टू प्रोवाइड. एंड दीज आर द आइसोलेशन बेड्स फॉर सस्पेक्ट केसेस. अभी यहाँ पर इस मीटिंग में आई थिंक 300 to 400 to 500 पीपल्स आर पार्टिसिपेटिंग. सो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज 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 असाइन वन ट्राइज एरिया एट योर हॉस्पिटल्स to assess the patient, and secondly you have to assign some isolation beds also. You have to, aapko koi na koi beds is tarike ke, kyunki you never know when the emergency arrives, when the patient arrives at you and you are treating it, and koi emergency bhi nahi, there are also hospitals with dialysis and other facilities jo aapke old patients hain, they are coming to you, don't know they are positive or not. So you have to treat each and every patient as a COVID positive patient. Jab hi wo patient wahan par aayenge, you have to keep them in the these isolation beds only. अगर आपको वो suspect लग रहा है, जी. Actually, Dr. Apurva, जो हम लोगों का participants हैं, most of them are from clinics. Hospital वालों की तो अधिकतर की हो गई थी, तो वहाँ पे हम कैसे ये form बनाए हम लोगों को बताना होगा कि bed तो हम क्या होते नहीं है, solo clinics वाले लोग हैं. तो solo clinics में sir you have to mention जब आपका applicable करना होगा ना. Okay. जब आपका यहाँ पर ऊपर में आता है ना, यहाँ पर अधिकतर लोग solo clinic वाले हैं. ओके सर, कोई नहीं, आपका अगर यहाँ पर है तो मैं वही बोल रही हूँ कि यू डोंट हैव टू क्रिएट थिंग्स इफ दे आर नॉट एप्लीकेबल टू योर हॉस्पिटल्स और फैसिलिटीज. व्हाट यू हैव टू डू इज कि जो प्रोसेस के पॉइंट्स हैं, जो प्रोसेस की थिंग्स हैं, दैट यू हैव टू डू इट मैंडेटरीली. लाइक यू हैव टू क्रिएट दैट ट्राइज एरिया. अगर सोलो क्लिनिक्स भी हैं, यू हैव टू, अगर कोई भी आप सोलो क्लिनिक में भी, यू मस्ट बी हैविंग 4-5 पर्संस एट योर हॉस्पिटल्स और योर और क्लिनिक्स, तो आपको वहां पर एक बंदा, यू हैव टू डेडिकेट दैट पर्सन दैट प्लेस, कि भाई ये चेयर टेबल डाल करके आप यहाँ पर, यू हैव टू सिट इट सिट देयर. आप वहां पर कर्टेन से पार्टीशन, आप वहां पर जो एल्यूमिनियम शीट्स आते हैं, आप उनसे पार्टीशन करके यू हैव टू डेडिकेट दैट प्लेस, कि भाई कोई पेशेंट आए तो ही हैज टू विजिट, ही और शी हैज टू कम हेयर फर्स्ट. वहां पर उसकी ट्रायजिंग हो जाए कि इसको कोई कोविड जैसे, आप भी बिकॉज वी ऑल आर डॉक्टर्स, सो आप एक क्लिनिकली असेस करके उसको ये पता कर पाए कि हाँ भाई इसको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, एंड नाउ वी कैन ट्रीट हिम और हर अकॉर्डिंगली. तो उस केस में आपको ऐसा नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ आइसोलेशन बेड्स जहाँ पर सोलो क्लिनिक्स हैं वहाँ पर तो बेड्स ही नहीं होंगे सर, तो वहाँ पर तो कोई मतलब ही नहीं है आइसोलेशन बेड्स का. लेकिन जहाँ पर भी कोई, अगर कोई बेडेड हॉस्पिटल है तो वहाँ पर इट वुड बी माय सजेशन के यू शुड क्रिएट सम आइसोलेशन बेड, 1 bed 2 bed, कि अगर कोई सस्पेक्ट पेशेंट आता है तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो आपके हॉस्पिटल में.
सो दिस इज आवर प्रायोरिटी कि इट शुड नॉट स्प्रेड टू आवर स्टाफ टू आवर फेलो मेंबर्स जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं. सो दिस इज द ओनली पर्पज ऑफ दिस आइसोलेशन बेड्स के या फिर जो अदर पेशेंट्स वी हैव टू ब्रेक द चेन. आई जस्ट टोल्ड यू ना कि आईपीसी इज अ वे फॉर कंटेनमेंट ऑफ दिस स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. सो यू हैव टू आपको कंटेनमेंट के लिए वॉट यू कैन डू इज कि आपको वो पेशेंट आइसोलेट करने हैं. यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज पेशेंट, यू हैव टू आइसोलेट दैम. सो दिस इज द ओनली पर्पज. तो इफ इट इज पॉसिबल आपके यहाँ पर कुछ भी बेडेड है, सोलो क्लिनिक्स हैं, तो वहां पर तो कोई जरूरत ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है. यू कैन राइट इट NA ओवर हेयर, आप नॉट एप्लीकेबल लिखिए यहाँ पर. और ऊपर जब मेंशन होता है तो आप वहां पर हॉस्पिटल का नाम लिखते हैं, तो प्लीज मेंशन कि इट इज अ सोलो क्लिनिक और इट इज वॉट. So it will be clear at district. हमें पता चल जाएगा and we'll shortlist them all कि हम separately कि these are the clinic solo clinic checklist and these are the nursing homes or the hospitals checklist. Excuse me, Dr. Purva. जी मैम. I have distributed that form. If you have that in the PowerPoint, so we can because there was lot of confusion for the solo clinics. I got many calls and I got. There is no other form for this. Form is the same. No. I have circulated the form in various groups. If you have the form in the PowerPoint, so we can discuss the points to be, you know, filled. Is it not visible? I'm sharing it. This is visible, but the form is of different type. I think it is a part of the form. No, it is the same. I'll play it. Matlab woh bhi chal raha hai this first page. Ma'am, wala form to nahi aa raha hai. Nahi, this form is not that form. I have circulated that form to all the groups, and I've told them. नहीं वो आए भी हैं आज, तो बहुत सारे आए भी चेकलिस्ट, आई हैव सीन देम, बट मेरे ख्याल से वही शीट प्ले हो रही है इसमें. यस और नो करके लिखा हुआ है, आप देखिए स्क्रीन पे आइसोलेशन बेड्स फॉर सस्पेक्ट केसेस ही लिखा है ऊपर ना. हाँ, वही लिखा है. तो दिस इज द सेम, ये वही है शीट. नहीं वही शीट है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्म, इट इज नॉट द होल फॉर्म ना. नहीं आई विल शो यू द होल फॉर्म आल्सो, इट विल कम वन बाय वन. या बिकॉज़ देयर वाज अ लॉट ऑफ क्वेरीज. हाँ इट विल कम, अभी वो आ रहा है धीरे धीरे, आगे चल रहा है. आई विल शो इट. जैसे इसमें है आइसोलेशन बेड्स फॉर सस्पेक्ट, तो यू कैन राइट इट NA. इट इज नॉट एप्लीकेबल टू योर हॉस्पिटल. सेंट्रल सप्लाई यू डोंट हैव, तो यू कैन राइट इट NA. इफ इट इज नॉट एप्लीकेबल टू योर हॉस्पिटल, आपके यहाँ ICU बेड्स नहीं है, यू कैन राइट इट NA. इट इज नॉट एप्लीकेबल. वेंटिलेटर्स यू डोंट हैव इट NA. ओके, बट सम थिंग्स लाइक थर्मल स्कैनर यू शुड हैव, यू कैन राइट इट NA. इफ यू डों't हैव, यू हैव टू मेक इट अवेलेबल. If PPEs are not available, you have to make it available. Spill kit that we have discussed already, there's nothing high tech in this spill kit. Jo bhi humne spill kit padha, that blood spill kit we have studied, this is wo yahi hai kit. It's nothing different like that. Ki aapko usme ek newspaper rakhna hai, aapko usme pura PPE in the sense aapko ek plastic apron, ek glove, ek mask, इस तरीके की चीजें आपको रखनी है. उसमें किट में कुछ ऐसा नहीं है डिफरेंस है. लैब कोट आपके पास होना चाहिए. तो दीज आर सम थिंग्स दैट यू शुड हैव एट योर हॉस्पिटल. कि आपके पास हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है तो आपके पास होना चाहिए, लिक्विड सोप है, तो ये सब चीजें होनी चाहिए इन दिस सिनेरियो ऑफ कोविड. इट इज नॉट कि आपको वेंटिलेटर्स नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू परचेज दैट. नेक्स्ट इज द डेडिकेटेड ब्लॉक. अगर आपके पास सेपरेट यू आर नॉट ऑडिबल, योर माइक हैज सम डायरेक्शन डिफरेंस. Hello. Haan. Am I audible? Haan, now you are audible. Okay. In case of dedicated block, अगर आपका कोई dedicated block है for it is for COVID hospital basically, तो उसका separate entry exit होना चाहिए. तो ये सारे वही points हैं. Next आपका infrastructure के points हैं कि आपके पास ICU है तो उसमें ये सब चीजें हैं. वार्ड्स हैं तो उसमें 1 meter स्पेस होना चाहिए, नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए सस्पेक्ट केसेस के लिए अगर आपने वार्ड रखा हुआ है. जैसे इसमें ए पॉइंट है तो डेजिग्नेटेड एमरजेंसी एरिया विद प्रोविजन ऑफ होल्डिंग एंड स्क्रीनिंग एंड ट्रायज ट्रीटमेंट. सो दिस इज अ प्रोसेस पॉइंट एंड यू कैन नॉट, यू कैन हैव इट. इट इज नथिंग लाइक कि आपको उसको कुछ डेवलप करना है. यू हैव टू डेडिकेट अ प्लेस, आपको एक डेडिकेट करना है एरिया के दिस इज द एमरजेंसी. क्या हो गया था? दिस इज द एमरजेंसी ट्रायज एरिया. नेक्स्ट है आपका क्या, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, टॉयलेट्स यू शुड हैव. अगर वो पर 100 बेड्स है तो इफ यू आर हैविंग 100 बेड्स यू हैव टू कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली. इफ यू हैव 10 बेड्स यू हैव टू कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली. आपके पास कोई डिसइंफेक्ट करने के लिए कोई स्पेस है या नहीं. आइसोलेशन वार्ड दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट.
these are the drugs availability. If you are also dispensing drugs at your facilities, then you should have these drugs. If it is not available, if it is not applicable, you have to write it NA. These are the lab diagnostic services you have. You can have these routine lab services. If you have, you have to write it yes. If not available, you have to write it no. Laundry ke liye hai. If you are outsourcing it, you can write it no with outsourced. If you have radiology services, you can write it. If you don't have, you can write it NA. These are the support services. It is already written ke if it is available or it is linked with. Agar aapke paas linkage ke saath hai, you can write it linked with or outsourced with. This is the AMC and CMC and calibration of equipments. These are the infection prevention and control. These are all the process points that like aapko control ek COVID infection control committee banani hai hospital mein. Kya wo treatment guideline aapke paas hai ya nahi hai, aap usko implement kar rahe hai ya nahi hai. That is all given jo bhi Ministry of Health ki hai, jo bhi ICMR ki guidelines hai, that you have to adopt it. Culture surveillance aapke yahan pe ho raha hai ya nahi ho raha hai. Waste management properly aap log as per guideline if you are doing it or not. Waste management के लिए आपके पास CWTF की van आती है या नहीं आती है? To market yes or no. And is HR के लिए है कि what HR you are available with, you have to market. उधर के वो कूला उल्ला रोगे ठीक है. capacity building है, capacity building है. नहीं ये चल नहीं रहा है. कि ये training आप सबकी हुई हुई है या नहीं? वो आवाज ज़्यादा करना. ठीक है कि आपको COVID-19 के management की training है, hand wash. ऐसी है कभी-कभी ज़रूरत पड़े. नहीं standard precautions you have to apply. So this is all the capacity building that you and your supporting staff or your accompanying staff in a hospital should be aware of. Next is the protocols, that these are the protocols you should have at your hospital in written form or in the IC form, in whatever form you can have you want to. कि आपके पास वो प्रिंटेड हो या तो फिर इन द फॉर्म ऑफ बुक्स और द पेपर्स और द लेआउट्स और द फ्लायर्स और द बोर्ड्स और द आईसी मटेरियल इन व्हाटएवर फॉर्म यू वांट टू. तो ये सारे प्रोटोकॉल्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए. और ये रिपोर्टिंग का है कि अगर आपके यहाँ पर क्या पेशेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कि ओपीडी आईपीडी की रिपोर्ट्स आपकी आ ही रही हैं हॉस्पिटल्स में, तो ये सब आपको रिपोर्ट करना है जो भी है. So this is all about checklist. There is nothing like if any confusion, please anybody having any confusion, please ask ki aapko is checklist mein kya pareshani hai ki filling mein ya kuch uspe kuch bhi dikkat aa raha ho to please aap mein se abhi pooch sakte hain. Hello Dr. Apurva. Ji sir. I am Dr. Ashish Agrawal. Ji sir. डॉक्टर अपूर्वा ये बताइए लैब्स के लिए और अल्ट्रासाउंड सेंटर्स के लिए क्या करना है? यही वाला फॉर्म है या अलग है, सेपरेट है? सर फॉर्म किसी के लिए भी सेपरेट नहीं है. फॉर्म इज द सेम फॉर एवरीवन. एंड जो चीजें आपके लिए एप्लीकेबल है यू हैव टू राइट इट, मेंशन इट. एंड इफ इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर हॉस्पिटल यू कैन राइट इट, इट इज नॉट एप्लीकेबल. द थिंग इज जहां पर आपके हॉस्पिटल का नेम डिस्क्राइब हो रहा है या जहां पर आप अपने हॉस्पिटल का, यू आर राइटिंग योर नेम ऑफ योर हॉस्पिटल और योर फैसिलिटी और वट एवर सर्विस यू आर गिविंग, यू शुड मेंशन इट क्लियरली सो दैट वी कैन शॉर्टलिस्ट इट एट हेयर. व्हेन वी आर कंपाइलिंग द डाटा वी कैन सेपरेट ऑल ऑफ द पैथोलॉजी लैब्स, ऑल द डायग्नोस्टिक सेंटर्स, ऑल द नर्सिंग होम्स, ऑल द सोलो क्लिनिक्स, वी कैन सेपरेट देम ऑल. Actually, few of our colleagues like pathologist Dr. Meenu Chopra is asking about the laboratories and all. So form is the same. Form is the same. You have to fill it accordingly. Whatever services you are giving, you have to fill the form accordingly. Okay. But you have to mention it. It is a pathology or it is a diagnostic center, so that at here at district we can shortlist the forms accordingly. Is that clear, sir? Yeah, very clear. Okay, thank you. These are some of the points I just wanted to, क्योंकि अभी जब हमारे hospitals खुल रहे हैं तो कुछ लोगों को थोड़ा सा ये confusion है कि हम risk पे हैं या हम कम risk पे हैं या हम higher risk पे हैं. So this is also a guideline by government only कि आप क्या risk, कौन से लोग risk पे हैं, who are at higher risk, who are at low risk. So as you can see on the screen. No risk पर when you are briskly, आप कई patient के साथ में कोई जो भी positive था patient पे patient, but he was not experiencing any symptoms,
अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट था बट उसको सिम्टम्स नहीं थे और आपके आप उसके बराबर से निकल गए हैं या उसको आपने क्रॉस किया है, सो यू आर नॉट एट रिस्क, यू आर एट नो रिस्क फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन. सेकेंड है, आप लो रिस्क पे हैं अगर आप सेम रूम में हैं उस पेशेंट के साथ जो कि पॉजिटिव था और उसको सिम्टम्स भी थे लेकिन और आप उसके साथ में 6 feet के डिस्टेंस पर थे, मतलब कि आपने वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया हुआ था, तो आप दैट टू व्हेन यू आर नॉट हैविंग एनी प्रोटेक्टिव गियर्स, सो यू आर एट लो रिस्क. नेक्स्ट इज द मीडियम रिस्क, जहां पर कि आपका क्लोज्ड कॉन्टैक्ट है पेशेंट के साथ 10 minutes से ज्यादा का, within 6 feet आप हैं उसके और उसको symptoms भी थे and also you are not having any protective gears, so you are at medium risk. Next is the high risk where you have close household contact with a person, जब आप उसके साथ बिल्कुल घर में ही रह रहे हैं जो कि COVID positive test हुआ था, he is lab tested positive with symptoms without उसमें सिर्फ आप उनके घर में उनके साथ रह रहे हैं, so you are at higher risk. So this is the categorization done by CDC also. ये आप कितने risk पे हैं patient के साथ में contact में आने के. So my point is के जब भी आप patient के साथ में हैं, it is not, अगर आप protective gears use कर रहे हैं, IPC control measures ले रहे हैं, it is never ever 100% के you will get infection. Next slide is the, this is only to tell कि cleaning, disinfecting और sterilization में क्या फर्क है. They have a difference. Lights are not moving. Just you have to check. Is it visible, sir? अभी भी नहीं, अभी वो पुराना वाला form वाला slide. हाँ, now it is moving. Dr. Apurva. जी sir. One of our colleague Dr. Alok Sehgal is asking. जी sir. Suppose if the two doctors are sitting in the same clinic, then yes, both of the doctors are advised to fill the form. No, sir. It is to be filled by the facility, not by the doctors. Not by the doctor. It is to be filled for the facility. We are not assessing doctors. We are assessing the hospital. Very clear. Very clear. So this slide I just explained. Okay, who are at risk? Who are at low risk? Who are at medium and high risk? Everybody should take screenshots. I was just talking about it. Okay, who are at brief? Who are at no risk? Who are at low risk? Who are at medium risk? And who are at high risk? So this is the diagram for that. वो पहले नजर नहीं आ रहा था, I just showed it. So next we are having okay, there is a difference between disinfection, cleaning and show the slide of this low risk, high risk category. Okay. This one. This is a very, very important slide. I think everyone should know about the risk category. Yes, sir. It is very important because people are so much afraid of ke hame infection ho jayega, hame infection ho jayega, but it is not so. We have just witnessed it because in our L1, L2 facilities, are all the patients are admitted with tested COVID positive cases and none of our staff is tested positive after their duties of 14 days. So, I think these are measures work gratefully for that. I think Dr. Apurva, I think contact time is also very, very important. Suppose yes, you are sir. Contact time is very important. Suppose you are in contact with a COVID positive patient for more than 20 minutes or more than 30 minutes. Sir, that is that also depends if the person is having symptoms or not. Because in our hospital, in you must have read it in the newspapers also, okay, one of our CHC doctor, he was in charge and he was infected with COVID. He was tested positive with COVID and he visited DM office, he visited CMO office. He sit, hum log ke saath, he was just sitting with all of us for more than half an hour. But none of the person tested positive. Even his own family tested negative. And it was such a strange thing because he was having a son of he's having a son of age 10 to 12 years and he was also tested negative.
So, Achha, Dr. Apurva, Dr. Ashish Prakash is asking that suppose if we do the tele-triage, do we still need a triage area, like if calling only for vaccination? The triage area is just for your health, and it will just help you and your hospital staff. So it is better if you, because it's just a like hota hai na ki what we take history of. So while prescribing the patient with the present complaint history of the patient, so this triaging is just kind of history of, and it is wo sabko hi pata hai ki when we take history of, it is very. हाँ तो आप अगर कर भी रहे हो तब भी होना तो चाहिए ही फिर भी. Dr. Karuna Verma is asking ki in the solo OPD, who will be the nodal officer? Is it the same government officer? Nodal officer for what? Achha, in the form it is as nodal officer. So yeah, in the solo OPD. You can keep it blank. I think you can write your name also if you are a clinician. Yeah, the hospital nodal will be the star, the doctor or the person. Yeah. The doctor in charge in the OPD. Yes. Or in the hospital will be the nodal officer, I think. Yes. So Dr. Puneet Gupta is asking if a patient of fever comes to the pathology, should the sample. So your voice is not on. Dr. Apurva? Yes, sir, please repeat. Hello? Yes, sir. Sir, please repeat. Taken or not? Sir, please repeat. I cannot hear. Yeah, if a patient... am I audible now? Yes. Hello, Dr. Apurva. Hanji, sir. Yes, I can hear you. If a patient of fever comes to the pathology, should the sample be taken or not? Sample for what? Sample of the patient, a patient of fever. No, sir. You are taking COVID sample, oropharyngeal sample, or what you are taking? No, we don't know. We are simply dealing with a fever patient. So you have to deal with the patient every time, and you can use the IPC measures, you can use PPE, and you can take the samples. This we are doing in our hospitals also. Yeah. You can take the sample and you have to take all the measures. Yes, you have to take the measures. You have to give all the services, sir. You cannot deny. We are doing it in our government hospitals also. We have pathologists there also, and they are taking samples. The LTs are taking samples with all the precautions. They don't know the patient coming is positive or he is suspect or whatever. But they are taking samples with all the precautions and they are dealing with it. Achha, Dr. Apurva, Dr. Shalini Agarwal is asking, where should I set a patient if I want to get COVID testing done? Sir, your voice is breaking. Dr. Shali, am I clear now? I am audible. Yes, I will ask Dr. Apurva, Dr. Shali wants to ask ki where to send patient, or this is a question for many person, ki where to send patient if you want COVID test done for your patient. You are suspecting and you want to get COVID test done for that patient pre-op or some you are suspecting it that may be positive. It was discussed in today's meeting itself. Aaj discussed. No, sir. It was discussed in today's meeting itself. Aaj jab meeting hui thi, to CMO sir has committed ke you can contact directly CMO sir or IDSP lab for any suspect patient if you want them to be tested for COVID. But you have to follow the ICMR version 5 guidelines for testing of the patient. You cannot recommend any of the patient to be tested for COVID. If you are testing, अगर आप उनको भेज रहे हैं, you have to follow the ICMR version 5 guideline for recommending test of the patient. And those tests will be done by CMO office itself. You can contact CMO sir or the IDSP lab. Somebody wants that, do we need to mention the number of masks, PPE kit in the form or just available लिख सकते हैं? You can write availability also. We are not mentioning numbers anywhere, okay. But you can mention. Yeah, minimum quantity. हम लोग जो stock में रखेंगे 5 or 10 वो लिख सकते हैं. अच्छा, Dr. Apurva. Yes. Dr. Apurva. Yes, sir. एक ये Dr. Charu Bansal पूछ रहे हैं, how frequently sanitization of the clinic should be done?
Sir, clinic, it depends. Basically, it depends on the frequency, on the patient load you are having, firstly. But at least it is recommended to do at least thrice a day. Dr. Alok Sehgal is again asking, what is the recommended PPE for my staff? I think Dr. Apurva has given already the answer of this question. They have to see the slides. Yes, sir. They can just refer to the slides. Presentation, Dr. Apurva. Okay, sir. We may have to have a alag session karna hoga question answer ke liye. We will prepare the question list from chart and then we'll send you to you. Dr. Jindal, one important question. What is the SSV team? Please elaborate. SVB team. SVB, this was for some other kind of hospital, sir. You don't have to write it there. You just have to name the nodal officer or the person responsible in the hospital. You have to just write the name. Now you continue with the slides. Okay, sir. Sir, this is just, I just wanted to make it clear that there is a difference, like cleaning is what and disinfecting is what and sterilization is what. Cleaning is just you just remove the dust and the soil. आप सिर्फ वहाँ से गंदगी हटाते हैं, blood secretion, excretion, ये सब कुछ आप हटाते हैं. That is just cleaning. Next is the disinfection, where you reduce the number of microorganisms to a less harmful level. मतलब आप उनको कम कर देते हैं. You have inactive, you do inactivate these bacterial spores and viruses. Sterilization is the object is free of any microorganisms and but not prions. So this is the difference between cleaning. Aap cleaning kisko define karte hain, what is disinfecting and what is sterilization. So sterilization is mandatory for the areas where you use procedures like OT and labor room. We refer disinfection. So this was just for an extra information to all. This is again some point of area. These are just some of the points where we describe ke kahan par low risk hai, kahan par moderate risk hai, kahan par high risk hai, and what kind of recommendation for PPE. Jaise health desk hai ya jo bhi aap help desk hoga, ye sir galti se likha hua hai probably. This is help desk ke wahan par jahan par aap information ya reception counters hote hain, they are low risk, so you can use triple layer mask and gloves. एंड इसी तरीके से यहाँ पर पूरा ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि कहाँ पर क्या लो रिस्क है, कहाँ पर क्या हाई रिस्क है. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में दे हैव नो रिस्क, दे कैन रेफर विद नो पीपीई. नेक्स्ट इज, दिस इज द ओपीडी सेक्शन के आपको ट्राइज एरिया में व्हाट यू नीड, स्क्रीनिंग एरिया में व्हाट यू नीड, यू नीड N95 मास्क एंड ग्लव्स. दीज आर द मॉडरेट रिस्क एरियाज. विजिटर्स अकॉम्पनिंग यंग चिल्ड्रन एंड एल्डरलीज, दे आर एट लो रिस्क. And this is the inpatient services. Inpatient services mein ICU mein hai, so you have the higher risk category. You have to have full complement of PPE. ICU mein jahan par bhi aap care de rahe hain, so these are higher risk areas because it is closed area and the infection is aerosol generated. Aap wahan par aerosol generating activities bhi perform karte hain, so this comes in higher risk area, so you have to use full PPE for that. सैनिटेशन जब आप कर रहे हैं तो यू हैव टू वेयर ओनली N95 मास्क एंड ग्लव्स. दिस इज द एमरजेंसी डिपार्टमेंट. एमरजेंसी डिपार्टमेंट में अगर आप कोई सीवियरली इल SRE के पेशेंट को या ILI के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं या डील कर रहे हैं तो यू आर एट हायर रिस्क. यू हैव टू हैव हैड फुल PPE फॉर दैट. एंड दीज आर द एम्बुलेंस सर्विसेज दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. दीज आर द आशा आंगनवाड़ीज, यू डोंट हैव टू डील विद देम. And this is a quarantine facility, you don't have to deal with them. These are the home quarantines, you don't have to deal with them. And this is the lab. Lab mein jab aap sample collection, someone was asking for this. So please take care of, because aap sample collection ya transportation jab aap kar rahe hain, this is specially for COVID patient. This slide is only for COVID patient, but still we have to take care of when we are dealing with unbooked patient. We don't know whether the patient is infected or not. तो आपको प्रेफर करना है, यू कैन यूज दोज बॉक्सेस और जो अभी आजकल कलेक्शन बूथ्स चल रहे हैं. इफ यू डोंट हैव द पीपी यू कैन यूज दैट थिंग. अदरवाइज यू आर एट हायर, यू कंसिडर योरसेल्फ एट हायर रिस्क एंड यू शुड यूज फुल पीपीई फॉर दैट. सो CSSD एंड लॉन्ड्री में यू आर एट लो रिस्क, एंड अदर सपोर्टिव सर्विसेज में यू डोंट नीड एनी पीपीई.
So if you are, so this is the curve shown in the screen. जब आप without IPC measures लेते हैं तो infection जो है वो this is the purple graph. And if you take IPC measures like social distancing and other measures that we have already discussed in the whole slide, तो आपका curve कुछ इस तरीके से हो जाता है. The infection is contained so much to this second वाला graph. So thank you so much. This was the slide I wanted to show. Sir, do you want me to play that video of donning and doping of PPE? OPD mein, I don't think it is required much. Most of them are now from solo OPD. Okay. Hospital persons are not there. So we can okay. take some question if you have time. There yes, sir. No problem. Yes, sir. There is a question. I am starting from disinfection of gown used in clinic. For how much time should we soak them in hypo 1%? Which gown, sir? जो आप OPD में पहनते हैं. Sir, for hypochlorite solution, we have a contact time of 20 minutes for each and everything. Practically, except for the instruments. The instruments are soaked for just for 10 minutes. Because they can corrode and they can be wo damage ho sakta hai. Otherwise, everything should have a contact time of minimum of 20 minutes. As a protective gear, most 50% of people are using surgical gown of cloth as a okay. protective along with this shield, gloves and surgical mask or N95 mask. Hmm. So that is why they want to ask. No sir, that is okay. But what I'm saying is कि आप जो भी कुछ आप disinfect करते हैं hypochlorite solution में, if you're using hypochlorite solution for any kind of disinfection, the minimal contact time is 20 minutes. The जो भी आपके अगर आप lab में हैं तो lab में जो हम ETP की बात करते हैं effluent treatment plant, तो जो lab में भी आपके जो भी waste निकलता है like you have samples of urine, you have blood samples or anything liquid samples भी जब आप discard करते हैं तो इट इज मेंशन इन BMW गाइडलाइंस दैट यू हैव टू डिसइंफेक्ट देम ऑल. उनका भी कॉन्टैक्ट टाइम मिनिमम 20 मिनट्स होता ही है. यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो भी चीज़ आप डिसइंफेक्ट कर रहे हैं हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से तो कॉन्टैक्ट टाइम मिनिमल कॉन्टैक्ट टाइम शुड बी 20 मिनट्स. By the time, sir, you can ask questions if there are. Can we use glutathione and other disinfectant which we were using in past, germicide and other, instead of this 1% hypo? Sir, glutathione was, I think it's costly and it was just used for instruments only. So you can continue using it for instruments, there's no problem. No, it will be costly affair. ये शायद आज की मीटिंग में डिस्कस हुआ होगा. इस COVID-19 टेस्ट इज कंपलसरी फॉर ऑल आईबीडी पेशेंट? आईसीएमआर की गाइडलाइन में तो नहीं है सर. आज भी यही डिस्कस हुआ है कि कोविड टेस्ट आप हर किसी का नहीं करा सकते एंड आपको नहीं कराना है हर किसी का टेस्ट. आपको जो सिर्फ जो गाइडलाइन में दिया गया है आप सिर्फ उसी में ही टेस्ट करा सकते हैं जो आपको जो आईसीएमआर मैंने बताया वर्जन आईएलआई इन्फ्लुएंजा लाइक जी 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 जी. Any patient with fever with cough, we should refer. Refer to where, sir? Government hospital facility. Sir, I just told you. Fever clinic in MMT hospital or sector place. Sir, we are having fever desk, but that is just for के जो patient आपको directly आ रहे हैं. Because I just wanted to tell you. All के अभी इस चीज का भी ऑडिट चल रहा है डीएम ऑफिस से ही कि व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट्स आर रेफर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. सो यू ऑल शुड बी वेरी कॉशियस कि आप किन पेशेंट्स को रेफर कर रहे हैं इफ दे एक्चुअली क्योंकि हमारे पास तो है ही ऑलरेडी वी आर हैविंग एंड वी आर ट्रीटिंग ऑल द पेशेंट्स आउट देयर.
who are directly coming to our hospitals. So it is important कि आप किन patients को refer कर रहे हैं, you should take care of. अगर वो आपके यहाँ पर ही patient treat हो सकता है तो आपको वहीं पर ही उसको करना है. There is nothing like कि आप उसको refer करें. All patient of URTI or fever with cold can be defined as IALI. It is sir, it is all up to you कि आप किन patients को आप refer करते हैं, किन patients को आप करते हैं. What I am saying is कि आज जो meeting में discuss हो. At least one thing is clear, जैसे ASI की guideline है या Fox या Foxy की guideline है. pre-op or pre-delivery या pre-LS COVID test in all cases are not required. Yes. As per ICMR guideline. Yes. It is already 5 p.m. now. Now we will. Is the video on the screen? Okay. Is it visible? Slide is visible. Just you have to run. Is it audible also, sir? It is not audible at the moment. Is it audible now? No. Is it audible now? No. Is it audible, sir? Not audible. Okay, Ashish, are you able to listen? Not audible. Just I will ask question. जो भी आ रहे हैं बीच में, just people will see the slides. Is it visible? मतलब वो चलती भी नजर आ रही है? Not as video, but slides are visible. Madam, we will send it. Now it is visible. Video is visible. Although the voice is not there. I will upload this video on YouTube and send to all.
लैपटॉप हुआ। हेलो हेलो हाँ मेरे ख्याल से तो हाँ, तो आप एक बार फोन कर दो उन्हें, फोन कर दो है ना, कंक्लूड कर देंगे। हेलो अच्छा मैं करता हूँ, ओके वही बता देंगे एक बार, बोलता हूँ मैं म्यूट कर रहा हूँ। डॉक्टर अपूर्वा हेलो हाँ आई थिंक जी सर वीडियो इज नॉट रनिंग प्रॉपर्ली हाँ वीडियो इज नॉट ऑडिबल सर आई विल शेयर एंड वी विल शेयर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद यू ऑन चैट व्हाट्स ओवर इज अवेलेबल एंड विल आंसर बैक विद आंसर टू द रेस्पेक्टिव पर्सन ओके सर कंक्लूड द मीटिंग मेरे ख्याल से Okay, sir. I'll share the link for this YouTube video also, so you can play it. So this was all about for the IPC guidelines and the prevention and control things we just wanted to discuss with you all.
So if any confusion, you can just communicate with Dr. Jindal and Dr. Vani ma'am. And most of the questions, I think, must have been answered to all. And important thing is just aapko sare ko apne emergency services ke saath, you have to just start all your clinics. This is all discussed in today's meeting also with CDO madam and DM sir. Ke aapko sare patients ko dekhna hai. You cannot unnecessarily refer the patients to lead them to their deaths, because no patient is dying of COVID, but yes, they are dying of their comorbidities. They are not treated for, and our government hospitals are not that specialized so that they cannot deal with all the problems or the treatments the patient needs actually. So you all have to come forward. It's a teamwork. We have to do it along with each other. And जो भी इमरजेंसी सर्विसेज या जो भी प्रोसेसेस पेशेंट्स को नीडेड हैं या टू डील विद इट, इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद डॉक्टर नीरज अग्रवाल, डॉक्टर संजय अग्रवाल ए सी एम ओ सर, एंड डॉक्टर मुंशीलाल सर ए सी एम ओ सर और सी एम ओ सर, स्टिल एनी कंफ्यूजन लेफ्ट. एंड कोई भी क्वेरीज हैं तो यू कैन डिस्कस विद जनरल सर एंड डॉक्टर वानी मैम, एंड दे विल कन्वे टू मी. और कोई भी फिर भी अगर कुछ क्वेरीज हैं तो यू कैन, आप हमारे ईमेल एड्रेस पर, आई विल शेयर इट इन चैट बॉक्स, आप ईमेल एड्रेस पर उस पर शेयर कर सकते हैं. कुछ भी आपको क्वेरी है तो दैट विल बी आंसर्ड. सर प्लीज आप कुछ भी सर आप आई विल लाइक टू नो वेदर डॉक्टर मुंशीलाल इज देयर और नॉट, जस्ट आई विल सर्च. We would like to thanks Dr. Purva for having this presentation. Sir, solo clinics ke liye abhi bhi koi guideline as such nahi aayi hai state se. We do function on the guidelines as provided by the state government. Jaise hi aayegi, we'll let you all know. Fir uske accordingly aap start kar sakte hain. Abhi sirf jo OPDs aur jo हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए अभी आया है कि हाँ आपको ओटीज वगैरह भी अपने स्टार्ट कर रहे हैं. बाकी अभी सोलो क्लिनिक्स के लिए एज सच अभी कोई इंस्ट्रक्शन वेदर वी विल बी हैविंग सर्टिफिकेट फॉर दिस वी हैव टू मेक अटेंडेंस सर सर्टिफिकेट्स यस वी आर जस्ट गिवन द सर्टिफिकेट फॉर प्रिंटिंग बट द नंबर इज सो लार्ज आई हैवंट गिवन फॉर सो मच सो जस्ट लेट मी नो सो दैट वी कैन इंक्रीज द नंबर एट द स्टॉक टू संजय अग्रवाल सर. He said, तो उन्होंने जितना नंबर बताया था उतना तो मुझे लग रहा है कि people have attended today only. 500 attendance थी आज पूरा. Actually our capacity was 500 and many people were not able to join. So most probably we will be calling you again. No sir, वो that is okay. But sir please आप उस चीज के लिए जितना भी नंबर है वो just talk to Sanjay Agarwal sir once. Because मैंने order कर दिया है आज के लिए जो अभी तक हमारी trainings हुई थी उसके लिए मैंने उसके according भी number बताया था printing के लिए. But if the number is increased, we can increase that. But just talk to Sanjay Agarwal sir. Thank you Dr. Purva and thank you Dr. Munshi sir for wonderful training. And maybe we will be calling you again also if some people are left. I think 500 have joined and previously also many people have done this training. So Dr. Purva, I think 700 sort of, and we have total 800 plus IMA members. IMA West is also there, na? And IMA West is also there. Dr. Pankaj, you want to say something? Rajendra, it was a very good session, Dr. Purva. Thank you very much for a very nice and very detailed, you know, regarding IPC. A lot of confusions actually were handled by you regarding, you know, solo clinic, the nursing homes and hospitals, and people are little actually confused what to do, what not to do, because cases are increasing day by day. So you have to be very cautious. And regarding this testing also, that regarding the ICMR 5 version, that you need to test everybody, that there are specific indications for testing also, and if we follow that guidelines, definitely we can deal our patients very well. So I think with that, there is no guideline for solo clinic as such, and we will be communicating with our members with the guidelines from CMO or district officials. Then we will circulate to each and every member. Now I think it's OPD which is, you know, being started at the hospital level only. The gynae OPD, the surgery OPD, and the vaccination and all that, they are being allowed at hospital. But I think solo clinics, there is no instructions as such. Still, OPDs are not started still. Yeah. We have just started fever desk in our district hospitals also. There are no gynae OPDs still working.
These are only the emergency patients. They are coming and they are dealt with. There is nothing like OPD started till then. In government hospitals also, we have not started OPDs. Okay. So that is very clear now that there is no guidelines for solo clinic as of now. So it's good that we have taken the IPC training. And if tomorrow or after a couple of days or after some week or so, if the solo clinics are being started, so we should follow this specific guidelines. Yeah. Yes. Thank you, Dr. Jindal, Dr. Vani, for a wonderful session. Dr. Jindal, I just wanted to make announcement. Hello, Jindal. Hello, Ashish. Dr. Jindal, कल हम लोगों का ना डॉक्टर अपूर्वा को भी मैं बता रहा हूँ, कल हम लोगों का एक नो टोबैको डे के ऊपर प्रोग्राम है. एक्चुअली 31 मई इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड नो टोबैको डे. उसमें हम लोगों ने एक पब्लिक अवेयरनेस पैनल डिस्कशन किया हुआ है फ्रॉम 1 to 2 PM एंड वी विल बी हैविंग वेरी एमिनेंट पैनलिस्ट विद अस. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द साइड इफेक्ट्स एंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द टोबैको फ्रॉम 1 to 2 PM. That will be yes, for sir, the I have public. That link. I just got that link yesterday. Okay. Yeah, yeah. So it is an announcement for all who are attending this IPC program. Thank you very much. Thank you. Dr. Vani? Dr. Vani? Jindal? हाँ ओके. आई लाइक टू थैंक्स एवरीबॉडी. काफी सारे लोगों ने ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स था एंड आई लाइक टू थैंक्स. वी विल मेक अटेंडेंस एंड विल सेंड द लिस्ट टू डॉक्टर अपूर्वा और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी सो दैट एवरीबॉडी विल बी गिवन सर्टिफिकेट. एंड नाउ वी आर वेल प्रिपेयर्ड. ऑफिशियली ओपीडी इज नॉट अलाउड सोलो क्लिनिक बट एवरीबॉडी इज रेडी एंड विद आईपीसी ट्रेनिंग एंड बीएमडब्ल्यू. दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो हम लोग नहीं अभी प्रैक्टिकली करके चल रहे हैं. Our IPC training has to be complete. Not training, we have to have use it practically also to protect our patients and ourselves also, our family. And second is biomedical waste का भी disposal का बहुत अच्छा सा हमें इंजाम करना होगा. सब लोगों को अपना renewal करा के रखना होगा. And as soon as जैसे last हमारी जो health ministry के संग BC थी उसमें ने जो health minister है state के जयप्रताप सिंह जी उन्होंने बोला था कि वी विल बी कमिंग आउट विद सोलो क्लिनिक गाइडलाइन इन फ्यू डेज ओनली. तो फ्यू डेज हैज पास्ड. मोस्ट प्रोबेबली शायद एक दो दिन में सोलो क्लिनिक की भी गाइडलाइन या एक अप्रूवल आ जाएगा. नाउ वी आर रेडी विद आईपीसी ट्रेनिंग आल्सो. थैंक्स एवरीबॉडी. थैंक्स स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर पूर्वा टू गिव अस 2 hours ऑफ हर प्रेशियस टाइम. We are asking her again and again, and most probably we may ask you again for one session because many people has left today. Okay, sir. It's okay, sir. One more thing I just wanted to say. If you're sharing names, if you want the slides also, the PPTs, then you can share the email addresses so that the... Can we share it in our WhatsApp group? We have a WhatsApp group and people will use from there. Okay, sir. Then I'll share it to Vani ma'am. To Vani and we will use it in front. Okay. Thank you. Okay. Thanks everybody. I am ending this meeting. Just we will meet when clinics are open. And tomorrow also we will be having a program 1 to 2 at No Tobacco Day. Thanks everybody. Namaste. I am inviting all just to say thanks and bye bye. पूरा सवा 2 घंटे चलो आए Thank you.